आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाए। कई लोग इसमें बहुत अच्छे हैं आर्किटेक्चर में, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि आप आर्किटेक्चर वर्क अगर स्टार्ट कर दिए, इट्स नॉट पॉसिबल इन वन डे बट इन वन मंथ यू विल गेट द सक्सेस। और तब आप याद करोगे सर ने कुछ बताया था और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसे कमाना चाहते हो तो क्या बोलते हैं उसको अगर करते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी और समझते हैं कि किस तरह से पहले वर्क करते हैं, फिर वक्त जैसा बचा रहेगा उसके हिसाब से बताऊंगा कि इसमें सक्सेस कैसे पाना है। याद रखना इसको स्टार्ट करने से पहले कि एक दिन में कभी भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा आपको, कम से कम महीने 2 महीने आपको लगाने पड़ेंगे डेली डेली, ठीक है। उसके बाद कहीं आपकी प्रोफाइल हाईलाइट होगी। हाँ, क्या क्या करना चाहिए जिससे कि प्रोफाइल अच्छे से हाईलाइट हो वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो उससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जॉब के साथ कर सकते हो, ये जॉब के साथ बहुत आराम से इसको कर सकते हो। पहले देखेंगे कि स्टार्ट कैसे करना है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सक्सेस कैसे पाना है। 2 चरण में है ये। तो स्टार्ट करने के लिए वैसे तो बहुत ढेर सारे साइट्स हैं, बट हर साइट का स्टेप्स लगभग लगभग सेम है, ठीक है। प्राइजेस भी लगभग लगभग सेम है, उनके कॉस्ट वगैरह भी। तो इसलिए जो सबसे फेमस है वो है अपवर्क.कॉम, तो मैंने इसी को पकड़ा, मैंने कहा इसी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो अपवर्क है और फाइवर है। अपवर्क जो है वो उस पर कैसे वर्क करना पड़ता है, कंप्लीट गेट टू वर्क एंड ग्रो योर बिजनेस एंड डू वॉट मैटर्स टू यू। मतलब एक तरीके से फ्रीलांसिंग साइट्स क्या आपको बताती हैं, कहती हैं कि भैया आपका जो मन करे वो करके आप पैसे कमा सकते हो, बस उस काम में आप बेहतर होने चाहिए, उस काम में आप बेहतर होने चाहिए, यही फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा हुआ है। इस पूरे स्लाइड को हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक पार्ट में तो इंट्रोडक्शंस की भाई अपवर्क ही क्यों और अपवर्क वगैरह क्या है, कैसे मनी वगैरह लगता है इसमें, एक पार्ट में तो जनरल चीज़ें डिस्कस करेंगे। दूसरे पार्ट में करेंगे कि कैसे स्टार्ट करना है, इसका मेंबरशिप प्लान होता है, लेना पड़ता है, उसका क्या प्राइजेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेट प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, अच्छी प्रोफाइल कैसे बनाएंगे जिससे कि हमको काम मिले, ठीक है। दूसरे चरण में ये देखेंगे। तीसरे चरण में देखेंगे कि कैसे काम को पाना है, ठीक है। फाइंडिंग वर्क एंड सबमिटिंग प्रपोजल, ऐसा क्या बना दे इस प्रपोजल में जिससे कि एक प्रपोजल आपका पढ़ के सामने वाला आपकी प्रोफाइल पर जाए और आप विजिट करके देखे कि यार क्या है इस बंदे में, दम है क्या। लास्ट में डिस्कस करेंगे डूइंग द वर्क एंड गेटिंग पेड, ठीक है, पैसा कैसे लेना है क्लाइंट से उसके बारे में। और लास्ट में फिनिशिंग टचेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ ठीक है, फिनिशिंग टचेस भी अपने रेपुटेशन वगैरह कैसे बनाना है मार्केट में उसके रिलेटेड है। टोटल 5 चरण का ये प्रोग्राम है, ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट हो रहा है पहला चरण आपका, ठीक है। तो पहला चरण में चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पहले चरण में क्या चीज़ करना चाहिए। तो पहले वेलकम होगा हमारा, और जो इसके सीईओ हैं, जो अपवर्क के सीईओ हैं, बड़ा अच्छा उनका कोट है। क्या कोट है? आवर ड्रीम इज टू बिल्ड अ वर्क प्लेस फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। हम ऐसा चाहते हैं कि एक जगह से ही पूरे दुनिया में के लिए हम वर्क प्लेस तैयार कर दें, कि हमारे वर्क प्ले वो हमारे प्लेस पे ही हमारे साइट पर बैठ के ही सारी दुनिया काम करने लगे। बाकी उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई की हुई है कि अपवर्क क्यों करना चाहिए, अपवर्क रिवार्डेड है, अपवर्क जेन्युइन है, ठीक है। बहुत ढेर सारे लोग इस पे काम करते हैं, तो जिससे हर कोई अपना बताता है ना कि क्या बोलते हैं आपको यहाँ से सीखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये फायदा है वो फायदा है, जो हर लोग मार्केटिंग करते हैं वैसे यहाँ पर भी है। तो अपवर्क उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन इस पर काम कर सकता है अपवर्क पर। तो चलिए आगे देखते हैं भाई कौन कौन इसके ऊपर काम कर सकता है। तो एक तो आप काम कर सकते हो, आप इन द सेंस इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स। दूसरी एजेंसीज काम कर सकती हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कई ढेर सारे लोग हैं तो मैं क्या करूँगा, एज अ एजेंसी काम करना स्टार्ट कर दूंगा ना, एज अ एजेंसी भी काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एजेंसी में कोई भी आपके काम को हैंडल कर सकता है, इंडिविजुअल में आपको खुद करना पड़ेगा। तो ये टोटल 2 चरण है आपके इसके। अब इसमें भी कैसा होता है कि सर्विसेज फीस तो हर कोई लेता है ना, ठीक है। मतलब कि अगर आपने पैसे अर्न किया, ठीक है, आपने पैसे अर्न किया तो सीधी सीधी बात, कुछ दोगे नहीं तो अपवर्क कहाँ से खाएगा, ठीक है। उसके भी तो इम्प्लॉय होंगे, तो
अपवर्क कहता है कि अगर आप $500 कमाते हो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो ऐसा करो आप मुझे 20% दे दो, इतने में हम अपना खर्चा पानी चला लेंगे, ठीक है। लेकिन कहता है कि अगर आपने आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, 500 रुपये से थोड़ा भी ज़्यादा आप कमाते हो, तो मुझे केवल 10% शेयर कर दो। और अगर आप $10,000 के आसपास कमाते हो या इससे ज़्यादा कमाते हो, ठीक है, तो उस समय पर आप मुझे सिर्फ 5% दे दो, हम हैप्पी रहेंगे। तो टोटल इस तरीके से परसेंटेज डिवाइड होता है सर्विसेज का, ठीक है। ये किसके लिए? सर्विस फीस जो लेता है, जो आपका अपवर्क लेता है। इसके अलावा मेंबरशिप प्लान भी होता है, ठीक है, वो भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका लाइसेंस रखते हैं, यस, लाइसेंस मतलब मेंबरशिप प्लान होता है, दो तरीके का होता है, एक होता है बेसिक और एक होता है प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम या प्लस बोलो, ठीक है। तो प्रीमियम वाला जो होता है उसका $10 पर मंथ लगता है, कितना? $10 पर मंथ। और जो बेसिक लेवल का होता है, जिसमें आपको अभी स्टार्ट करके अपना वर्क स्टार्ट करना सीखना है, वो फ्री होता है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के प्लान होते हैं, एक होता है पेड, एक होता है फ्री। नो डाउट फ्री और पेड में थोड़े बहुत डिफरेंस रहेंगे, आपको भी पता नहीं तो फिर कोई पेड क्यों लेगा, ठीक है। प्लस अच्छी चीज़ क्या है कि आपको ये बताता रहता है कि आपने कितनी अर्निंग की, कितनी अर्निंग नहीं की, और आपको कितना अभी आने वाला है फ्यूचर में काम, ठीक है, कितने घंटे आपने काम किया। तो जितने घंटे काम करोगे पर आवर्स के हिसाब से, $5 $10 पर आवर्स के हिसाब से बनता चला जाता है। कोई $70 भी लेता है, कोई $25 भी लेता है। इट्स अप टू योर वर्क कैपेबिलिटी कि कितना बेहतर आप कर सकते हो। फ्रीलांसिंग मतलब फ्री, और उसके बाद प्लस फ्री भी हो, प्लस एक एडवांटेज भी है कि आप जहाँ से चाहो वहाँ से पैसे अर्न कर सकते हो। यही फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा एम है और यही सबसे बड़ा बेनिफिट भी है, यही तो हम लोग चाहते हैं ना। अब चलेंगे हम लोग दूसरे चरण में कि स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है सर, समझ में आ गया कि मेंबरशिप प्लान लूंगा, बस अपने घर से बैठ के आईडी बना के काम स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। किसी दुकान की जरूरत नहीं है, किसी भी रेंट की जरूरत नहीं, घर पे बैठ के। लेकिन स्टेप फर्स्ट क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप होगा इसका ज्वाइन अपवर्क इन 4 स्टेप्स। क्या? ज्वाइन अपवर्क इन 4 स्टेप्स। क्या क्या है वो स्टेप्स? पहला स्टेप है कि साइन अप एंड सेलेक्ट द मेंबरशिप प्लान। सिंपल, जैसे आप गूगल के लिए बनाते हो ना आईडी, वैसा ही इसमें भी आईडी बनाना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है, अपना डाटा वगैरह डालो, ठीक है। डाटा वगैरह डालने के बाद उसमें पी के मेंबरशिप प्लान, उसके बाद अपना डाल दो कि हम बेसिक लेवल करना चाहते हैं कि एडवांस लेवल का, ये बन जाएगा। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है क्रिएट अ पोर्टफोलियो, क्रिएट अ प्रोफाइल, ठीक है। क्योंकि आईडी तो बना लिया आपने, जस्ट लाइक लिंक्डइन, याद करो लिंक्डइन पर आपने सपोज आईडी बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? क्रिएट अ प्रोफाइल। कैसे बनाना है मैं बताऊंगा, ठीक है। क्रिएट अ प्रोफाइल, तो आपको अच्छे तरीके से अपने प्रोफाइल के बारे में एक्सप्लेन करना है कि आई एम दिस एंड आई एम गुड इन टू दिस फील्ड एंड दिस इज माई सम प्रोजेक्ट्स। तो इस तरीके से आपको अपने प्रोफाइल के बारे में बताना पड़ेगा। कल मुझे भी कोई एक संस्था है तो मुझे उसने बोला कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो, तो अपना थोड़ा सा पोर्टफोलियो हमको दीजिए, वो प्रोफाइल हमें दीजिए। तो हमने भी प्रोफाइल उसको बना के दिया कि आई एम इनटू दिस एंड आई एम प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ऐसे ही आपको भी यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके बाद है सेटअप योर पेमेंट ऑप्शन, ठीक है। इसके अंदर भी पेमेंट ऑप्शन करना पड़ता है सेट, कि आप कहाँ से पेमेंट लेने वाले हो। पेपल से कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग अपवर्क के डायरेक्ट आईडी है उससे आप भी ले सकते हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये तीन काम सबसे मेन है जो आपको करना ही करना पड़ता है। पहला आईडी बना लिया, दूसरा प्रोफाइल तैयार कर लिया, तीसरा पेमेंट ऑप्शन, और चौथा है कि अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो अपवर्क टीम विल हेल्प यू। जस्ट उसको मैसेज करो टक 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 कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, दे विल हेल्प यू, क्योंकि उनकी अर्निंग ही वहीं से होने वाली है। आप काम करोगे तो पैसे कमाएंगे वो, तो इसलिए वो आपकी हेल्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको कॉस्ट पड़ती है, ठीक है, मेंबरशिप प्लान की, और कितना आपको पे करना पड़ेगा। तो देखो इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि एक है बेसिक लेवल का फ्रीलांसर बेसिक, अभी आपको यही सजेशन दूंगा कि आप बेसिक पे ही अपनी आईडी बनाइए, और एक होता है फ्रीलांसर प्लस, ठीक है। दोनों में अलग अलग एडवांटेज है। जो फ्रीलांसर बेसिक्स है इसमें 60 कनेक्ट पर मंथ, मतलब 60 टाइम्स अप्लाई कर सकते हो नए नए कामों के लिए। सपोज आज यूनिक सिविल ने काम निकाला कि एक प्लान बनाना है, अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही केवल 60 टाइम्स कर सकते हो 60 लोगों को। इससे ज्यादा करना है तो फ्रीलांसिंग बेसिक्स में पॉसिबल नहीं है 1 महीने के अंदर, ओके। ऑनली प्रोटेक्शन है, ठीक है। आपको फिक्स करना पड़ेगा कि भाई हम $5 पर आवर लेंगे या $10 पर आवर लेंगे, उतना ही आपको मिलेगा,
फिक्स प्राइस प्रोटेक्शन भी यूज कर सकते हो। मतलब आपने बोला मैं 1 घंटे के हिसाब से काम नहीं करूंगा, मुझे डायरेक्ट पूरे प्रोजेक्ट का 50,000 रुपये दे दो, तो ये भी आप कर सकते हो। ये तीनों बेनिफिट आपके फ्रीलांसिंग बेसिक्स में है। लेकिन जो प्लस है तो प्लस होगा ही भाई, उसमें कुछ ना कुछ तो फीचर देना पड़ेगा। तो प्लस वाले में आपको 70 कनेक्ट्स पर मंथ, मतलब 70 जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप 70 जगहों के अलावा रोल ओवर कनेक्ट्स, मतलब कि सपोज इस मंथ में आप 40 जगहों पे अप्लाई किए, 70 जगहों के लिए अप्लाई करना भूल गया, फिर वो 30 जगहों पे आपको बच गया, तो वो अगले महीने ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगले महीने ट्रांसफर हो जाएगा आपका जो 30 जगहों का बचा हुआ है, तो अगले महीने 100 हो जाएगा। फिर अगले महीने आपने केवल 10 जगह पर अप्लाई किया, आप छुट्टी पे थे, तो 90 जगहों का जो आपका कनेक्ट है वो खत्म नहीं होगा, वो जाके नेक्स्ट कंपनी में नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मतलब रोल ओवर करने का फायदा होता है प्लस में, समझ आया? बाई एडिशनल कनेक्ट्स, ठीक है। इसमें एक अच्छी चीज क्या है कि मान लो 70 लोगों को अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, बाद में बहुत अच्छा काम आ गया, आपको लग रहा है यार ये काम मिल गया तो करोड़ों का फायदा हो जाएगा, आप फिर से उसको अप्लाई कर सकते हो। बस इस बार अंतर ये होगा कि आपको $1 per connect पे करना पड़ेगा। तो भाई जब इम्पोर्टेंट है तो $1-2 कर दोगे ना, ठीक है। उसके बाद व्यू कंपटीटर बेट्स, ठीक है, आप जो प्लस मेंबर है उसमें ये देख सकते हो कि कंपटीटर ने कितना रुपए चार्ज मांगा हुआ है, ठीक है। ये आप बेसिक्स में नहीं देख सकते हो कि आपका कंपटीटर कोई है तो वो कंपटीटर कितने में काम को मांग रहा है, ये देख लोगे तो आइडिया लग जाएगा ना, तो वो चीज़ बेसिक्स में नहीं है इसके फीचर में। लेकिन हाँ, अगर आपने प्लस मेंबर लिया हुआ तो आप देख सकते हो। और उसके अलावा हार्ली प्रोटेक्शंस, वही सेम कि भाई आपको क्या बोलते हैं पर आर्स कितना लेना है वो सब इसमें भी रहेगा। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि क्या बोलते हैं फिक्स प्राइस प्रोटेक्शन, मतलब कि एक प्रोजेक्ट के लिए आप क्या कॉस्ट रखना चाहते हो, ये फीचर इसमें भी है। तो दोनों में फीचर सेम ही है, इसमें बस थोड़ा सा एडवांस है कि आप ज़्यादा लोगों को अप्लाई कर सकते हो, इन केस और ज़्यादा लोगों को करना है तो पे आउट करके कर सकते हो, बेसिक्स में फिक्स है। लेकिन अपने इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत दिमाग लगाते हैं, उनके पास 2-2, 3-3 अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपना जुगाड़ कर लेते हैं, उनको कम नहीं पड़ता है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जुगाड़ के हिसाब से। यहाँ देखिए फ्रीलांसर बेसिक इंटर्नशिप, बेसिक जो प्लान है उसमें मेंबरशिप है उसमें फ्री है वो, ठीक है, उसमें आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री। और जो प्लस मेंबरशिप है उसमें क्या लिखा हुआ है, 20 पर्सन पर मंथ $10 per hour आपको पे आउट करना पड़ेगा। 20 में बताने लगा तो 20 एक्चुअली में है उनका जो एजेंसीज के नाम पे ओपन करते हैं वो, सपोज मैं यूनिक सिविल को एजेंसी के नाम पे प्रेजेंट करता हूँ तो मुझे $20 per month देना पड़ेगा। बट हाँ, उसमें मेरा कोई भी इम्प्लॉई जो है वो क्या बोलते हैं उसको यूज कर सकता है, ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला वही होता है एजेंसीज। तो सपोज कि आपको एजेंसी लेना है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, मल्टी यूज़र, ठीक है, मल्टी पर्सन टर्म्स टीम में काम कर सकते हैं, सभी बिडिंग कर सकते हैं, इंडिविजुअल में केवल आपको ही बिडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। 80 कनेक्ट्स पर मंथ, भाई एजेंसी है तो ज़्यादा लोग करेंगे तो 80 लोगों को आप बिडिंग कर सकते हो, बिडिंग में समझ रहे हो ना, 80 लोगों को आप काम के लिए बोल सकते हो कि भाई मैं काम आपका करके दूंगा, भाई मैं आपका काम करके दूंगा, आपका काम मैं करके दूंगा, ऐसे आप 80 लोगों को प्रपोजल लेटर भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा मन किया तब तो पैसा खर्चा करो, पर कनेक्ट्स $1 आपको इसमें भी चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। रोल ओवर कनेक्ट इसमें भी है, मतलब इस महीने आपका काम ज़्यादा नहीं हुआ तो आपने नहीं अप्लाई किया, नेक्स्ट मंथ जब अप्लाई करोगे तो पुराना वाला जो डाटा रहेगा वो जुड़ जाएगा उसके साथ, ठीक है। व्यू एडिशनल कनेक्ट्स, ठीक है, तो एडिशनल कनेक्ट्स मतलब कि इसमें एक बेनिफिट है कि आपको $1 दो अप्लाई कर दो। तीसरा बेनिफिट यह है कि बस वही व्यू कॉन्ट्रेक्टर वेट्स, कॉन्ट्रेक्टर में कौन कौन कितने कितने रुपए में ऑफर किया हुआ है काम को करने के लिए वो देख सकते हो। ऑनली प्रोटेक्शन, फिक्स प्राइस प्रोटेक्शन, वो सारी चीज़ें इसमें भी है, ठीक है। बस इसमें एक डिसएडवांटेज बोलो या फिर जो भी बोलो, $20 per hour, बाकी सब कुछ एजेंसी वाले में ज़्यादा अच्छा है और एजेंसी वाला बिल्कुल भी फ्री नहीं है। तो चलिए आपका आईडी बन गया, आपने फिक्स कर लिया कि मुझे काम करना है मन लगा के, ठीक है, सर ने बोला है 2 महीने ट्राई कर लेते हैं, क्या पता रिजल्ट मिल जाए। तो पहला काम आपको करना पड़ेगा बिल्डिंग अ ग्रेट प्रोफाइल। कोई भी इंसान को आपका प्रपोजल लेटर मान लो अच्छा लगा तो क्या करेगा, आपके प्रोफाइल पर जाएगा, आपके प्रोफाइल में दम नहीं होगा तो गायब हो जाएगा। और दोबारा आप चाहे जितने बार उसको कनेक्ट कनेक्ट करते रहोगे, प्रपोजल लेटर भेजते जाओगे, दोबारा आपके प्रोफाइल पर नहीं आएगा, क्योंकि आपने रेपुटेशन पहली बार में खराब कर दिया। इसलिए ध्यान से बिल्डिंग अ ग्रेट प्रोफाइल, ठीक है, आपको एक अच्छा प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा,
कैसे करेंगे एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। सक्सेसफुल प्रोफाइल्स आर कंप्लीट एक्यूरेट एंड पेंट अ कंपाइलिंग पिक्चर्स ऑफ योर स्किल्स सर्विसेज एंड अकाउंटेबल्स। योर प्रोफाइल इज एन अपॉर्चुनिटी टू एडवर्टाइज योर फ्रीलांस बिजनेस टू पोटेंशियल क्लाइंट्स एंड यू कैन कंप्लीट एज इट एज नीडेड। ठीक है, आपको इसको अच्छे से करना पड़ेगा। हियर सम थॉट, एक अलग से प्रोफाइल यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, उस प्रोफाइल को देख के आप वैसा ही प्रोफाइल अपना क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उस प्रोफाइल को देख के आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। तो एक लेडी है मेगन मैले करके, ठीक है, इनका जो प्रोफाइल है वो देखिए आप ध्यान से, आपको लगेगा हाँ यार कुछ प्रोफेशनल है, एकदम क्लियर टू क्लियर, मतलब कुछ भी बकवास नहीं, सीधे काम की बात। डिज़ाइन इंजीनियर, विजुअल डिज़ाइनर, ठीक है, इन्होंने सीधे लिख दिया है। आपको लिखना चाहिए बीम मॉडलर, बीम आर्किटेक्ट, बीम मैनेजर, बीम जो भी आपका वर्क है उस पर आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए, कोई तीन पाँच नहीं, सीधे हम इसी चीज़ से रिलेटेड। इन्होंने सीधे बता दिया वेब डिज़ाइनिंग करती हूँ, ब्रांड कंसल्टेंसी का काम है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है, नीड है तो कॉन्टेक्ट करो, लगभग $77 पर आवर्स, मतलब कैलकुलेट करोगे 77 × 80 करोगे तो प्रवास 7 × 56 लगभग 6,000 के आसपास, 6,100 कुछ रुपए के आसपास पर घंटे इनका चार्ज है। सोचो जब ये बंदी 6,000 रुपए पर घंटे काम के लिए बोल सकती है, चार्जेस मांग सकती है, तो आप क्या 600 रुपए भी नहीं मांग सकते? दौड़ते हुए काम मिलेगा, जबकि इसका काम कोई बहुत बड़ा टेक्निकल नहीं है। क्या है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ठीक है, हम लोग का ग्राफिक डिजाइनर 10,000 रुपये महीने भर काम करता है, ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग है, ब्रांड कंसल्टेंसी है, वेब डिजाइनिंग है, मतलब बहुत सिंपल सिंपल काम है। अच्छी बात यह है कि अगर इसने ओवरव्यू देखो इस क्या बोलते हैं मेगन का, कि कितना बढ़िया ओवरव्यू लिखा हुआ है इन्होंने, आई एम मल्टी मीडिया डिजाइनर एक्सपीरियंस इन इंटरेक्टिव डिजाइन UX UI एंड विजुअल डिजाइन एंड आई ब्रिंग स्ट्रॉन्ग नॉलेज टू लीडिंग्स डिजाइन वर्किंग्स वर्किंग विद स्टेक होल्डर्स एंड सेपिंग ब्रांड स्ट्रेटजीज। आई हैव बीन वर्किंग विद एडोब क्रिएटिव सूट सॉफ्टवेयर फॉर ओवर डिकेड्स। आई एम ऑल्सो प्रोफिशियंट यूजिंग अदर सोशल मीडियाज एंड ईमेल मार्केटिंग एंड गूगल मार्केटिंग एंड एनालिटिक टूल्स। मतलब जो जो उसको आता है बहुत सिंपल शब्द में पूरी तरीके से बता दिया उसने, मतलब उसके और भी से ये समझ आ गया कि मेगन को क्या क्या अच्छे से आता होगा, आपको खुद ही समझ आ गया होगा, राइट। तो ऐसा ही ओवरव्यू आपको अपने बारे में लिखना चाहिए कि चंद शब्द ही बयां कर दें कि आप हो क्या, ठीक है। अच्छी बात यह है कि देखो उसने बगल में वर्क हिस्ट्री भी अपना लिख रखा है कि मैंने कितने घंटे काम किए हुए हैं, ठीक है, और उसमें मैं कब तक अवेलेबल हूँ, तो इसने 24 घंटे अवेलेबल के लिए बोल दिया है। लैंग्वेज कौन सा प्रीफर करोगे वो भी बता रखा है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आपने किसी से काम लिया, उसको काम करके दिया, तो सबसे इम्पोर्टेंट है वर्क हिस्ट्री। क्या है, वर्क हिस्ट्री एंड फीडबैक्स, ठीक है। अगर आप वर्क हिस्ट्री सही से मेंटेन नहीं किए तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा ना। सपोज मुझे मेगन को हायर करना है, ठीक है, अब मेगन को मैं हायर कैसे करूं, बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट मेगन, बट मुझसे पहले किसी ने तो हायर किया होगा, ठीक है, तो वो हायर किसने किया, इन्होंने किया है, ठीक है, तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस दे दिया। अभी आप लोग मोबाइल फ़ोन लेते हो ना, पीछे मोबाइल फ़ोन ले रहा था तो मैं चेक कर रहा था रिव्यू, किसका कैमरा अच्छा है, किसी का क्या अच्छा है, किसका रैम अच्छा है, जो भी तरह तरह की चीज़ें होती हैं मोबाइल में, तो मैं क्या कर रहा था, रिव्यू पढ़ रहा था। तो देखो इनका रिव्यू कितना अच्छा है, ब्यूटीफुल वर्क बाय मेगन फॉर वन ऑफ आवर न्यू प्रोजेक्ट्स, एब्सोल्युटली नो डाउट दैट सी स्किल्स डिजाइनर एंड आई लव टू हायर अगेन, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने लिखा है, तो अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया ना यार, इस बंदी में दम है। क्यों? क्योंकि किसी ने 144 घंटे इसको काम दिया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा काम इसके साथ इसने किया हुआ है, 5-6 महीने तक किया होगा, ठीक है। वहाँ पर नीचे एक और रिव्यू लिखा हुआ है, तो ये भी इन्होंने दिया हुआ है, तो इससे क्या हो गया, हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि नाउ सी इज़ द राइट पर्सन, ठीक है। अब देखो इसने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से मेगन का प्रोफाइल जो है इस स्लाइड पर अपवर्क वाले प्रमोट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा। तो देखो यहाँ पर बिल्डिंग अ ग्रेट प्रोफाइल में इन्होंने क्या किया होगा, पहली चीज़ जो अच्छा किया हुआ है वो प्रोफाइल प्रोफेशनल पिक्चर लगाया हुआ है, ठीक है। गार्डन में बैठ के आराम से क्या बोलते हैं पेड़ के ऊपर बैठ के फोटो खिंचाएंगे, वो प्रोफेशनल लुक नहीं है। इसने क्या किया हुआ है, हेडशॉट इमेजेस ऑफ योरसेल्फ, आपको पता ही है कि वो ऊपर का ही इमेज लगता है उसमें अपना फोटो वोटो के छोटा सा, उसके बाद फ्रेंडली एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम गुस्से में है, हटो कैसे करूँगा प्रोजेक्ट, या फिर ऐसा भी नहीं लग रहा कि फेक हंसी हो, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ
जितना जो रिक्वायर्ड है फ्रेंडली उतना ही आपका यहाँ पर उन्होंने एक्सप्रेशन दिया हुआ है। प्लेन बैकग्राउंड सबसे अच्छी चीज़ होती है, कहीं पर भी प्रोफाइल लगाओ इन द सेंस प्रोफेशनल वर्ल्ड में तो प्लेन बैकग्राउंड प्रीफर करो, ठीक है। उसके बाद बिजनेस कैजुअल अटायर, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बिजनेस के लिए रेडी है, ठीक है। अभी अपने इंडिया में होते तो पता नहीं, मतलब जान दो किसी कुछ बोलेंगे नहीं, नहीं तो कितना ढेर सारा इसमें हो जाता फिर आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एड्रेस उन्होंने प्रॉपर लिख दिया है, अपना प्रोफाइल लिख दिया है और अपना वर्क लिख दिया है। तो देखो टारगेट स्किल जो है ना एक्सप्लेन कर रखा है प्रॉपर, कि सामने वाले को आंख बंद करके आइडिया लग जाएगा। आपको लिखिए ऑटो कैट रैबिट, ठीक है, क्या लिखिए ऑटो कैट रैबिट बस, ठीक है। लेकिन हाँ उसमें आप लिखिए कि क्या पिक फोर 6 स्किल, जितनी भी स्किल है पुट योर बेस्ट स्किल एट द टॉप, सबसे ऊपर जो है सबसे पहला जो है सबसे बेस्ट जो हो वही लिखना चाहिए, उसके बाद सेकेंड बेस्ट, उसके बाद थर्ड बेस्ट, ऐसे। टेक स्किल टेस्ट, इसके अंदर मतलब अपवर्क के अंदर ना स्किल टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को भी आप यूज कर सकते हो, उन टेस्ट के माध्यम से भी अपने आप को ग्रो कर सकते हो कि मेरे को कितना नॉलेज है। सिविल इंजीनियरिंग का टेस्ट डालोगे तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, सॉल्व करके करोगे, उससे क्या होगा आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा कि इन्होंने इतने टेस्ट दिए थे पास हो गए थे, तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा ना क्लाइंट को कि हाँ यार ये बंदा वेंदी जेन्युइन है, ठीक है। लास्ट में है एक्यूरेट टाइटल, ठीक है, उसने टाइटल में घुमाया नहीं कि मैं वेब डिजाइनर हूँ कि ब्रांड कंसल्टेंसी मेरी चलती है, कुछ भी नहीं, सिंपल से एक्यूरेट डाल दिया क्या विजुअल डिजाइनर, ठीक है। रिफ्लेक्ट एंड रिफ्लेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, इंडिकेट प्रीफर्ड जॉब्स, शॉर्ट एंड इम्पैक्टफुल, सिंपल शॉर्ट एंड इम्पैक्टफुल। तो इस तरीके से मेगन ने अपने बारे में लिख दिया और सबको पसंद आएगा होप सो, ठीक है। ऐसा ही आपको अपने प्रोफाइल में प्रोफाइल लिखना है। लास्ट में एक काम और इसने बहुत अच्छा किया कि इसने ओवरव्यू अपना बहुत अच्छा दे दिया है। ओवरव्यू में क्या दिया हुआ है, क्यों अच्छा ओवरव्यू, आइए देखते हैं कि ओवरव्यू में इसने ऐसा क्या किया हुआ है जिसकी प्रशंसा हो रही है, ठीक है। ओवरव्यू में सबसे अच्छी चीज़ ने किया हुआ है यूज कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है, एक ही सेंटेंस में सारा कुछ लिख दिया है, कोई दस लाइन नहीं लिखा हुआ है, नो बुलेट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि एक ही बात के लिए उसमें वर्ड लिमिट होती है ना, तो सीधे सीधे कम लिमिट में सारा कुछ बोल दिया। डिस्क्राइब योर बिजनेस एंड सर्विसेज यू ऑफर्स, ठीक है, अपने बिजनेस के बारे में बताओ कि हम लोग क्या क्या करते हैं, और ऑफर बताओ कि हम एग्जैक्टली हम लोग ये काम आपका कर सकते हैं, ठीक है। इंक्लूड पास्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट, अगर पीछे कुछ अच्छा किया हुआ है आपने तो उसको भी इसने एक्सप्लेन कर दिया कि मैं इस कंपनी में एडोब में मैंने 10 साल काम किया हुआ है अप्रॉक्स, ठीक है। बगल में एक वीडियो लगाने के लिए भी फ्रीलांसर के साइट पर मतलब upwork.com पर अलाउ करते हैं, तो उस वीडियो में ना आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि वीडियो वॉच कर सकता है क्लाइंट, तो आपको अपना पुराना जो एक्सपीरियंस प्रैक्टिस वगैरह किया हुआ है उसको दिखाना चाहिए, सामने वाला इंप्रेस हो जाए, ठीक है, या फिर कोई आपका बेस्ट प्रोजेक्ट है उसका उसके बारे में दिखा दिया। इन्होंने क्या दिखाया हुआ है, एड 1 मिनट वीडियो, यू कैन ऐड योर स्किल्स, अपनी स्किल्स के बारे में बता सकते हो, लेट क्लाइंट टू सी योर पर्सनैलिटी, आपके पर्सनैलिटी को क्लाइंट समझ सके उसके लिए इतना आपको वीडियो में कंटेंट दे देना है 1 मिनट का। एक्सप्लेन टू क्लाइंट द सर्विस यू ऑफर, सबसे बड़ी चीज़ है अपने काम को दिखाओ कि भाई मैं ये काम करता हूँ, क्योंकि काम से ही उनको ज़्यादा मतलब है। तो मतलब प्रोफाइल के बारे में आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा, और उसके अलावा प्रोफाइल में और भी चीज़ें होती है, तो फ्रंट हो गया। इसके बाद आपको क्या दिखाना पड़ेगा उसमें, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपने पीछे काम कहाँ कहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, क्या काम किया हुआ है वो बताना चाहिए। उसके अलावा एजुकेशन बताना चाहिए कि आपका एजुकेशन क्या है। देखो अगर आप आईडी बनाओगे ये पक्का है कि विजिट कोई ना कोई करेगा, अब विजिट करने के बाद कौन आपका अपना हो जाएगा, कौन आपसे ब्रेकअप कर लेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, कितना अच्छे से एजुकेशन के बारे में वहाँ पर एक्सप्लेन करके रखते हो, और साथ ही साथ आपका ओवरव्यू एंड प्रोफाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीज़ों को अच्छा रखे हो और 10 जगह कनेक्ट कर रहे हो, तो यार सीधी सीधी बात है कि आप लिंक्डइन वगैरह पर देखते होंगे कोई करंट भेजता है तो आदमी चेक करता है कौन है, देखते हैं, ठीक है, तो उसके प्रोफाइल पे जाके विजिट करता है ना, तो वैसे ही आपके भी प्रोफाइल में 10 में से 1 लोग तो जरूर विजिट करेंगे, बट विजिट करने के बाद वो आपका अपना हो जाना चाहिए, इतना आप दम रखो, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के उसको भी सबमिट करना चाहिए कि भाई ये मेरा पोर्टफोलियो है, देख के तसल्ली कर लो, अगर अच्छा लगे तो हमको बता दो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सपोज लिंक्डइन पर आपका अच्छा एक क्या बोलते हैं पैचअप है लोगों से, तो क्या कर सकते हैं लिंक्डइन का एड्रेस दे दीजिए उसको, कुछ स्किल्स के टेस्ट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वो टेस्ट को दे दीजिए जिससे कि सामने वाला पढ़ सकेगा, अच्छा इसने तो रैबिट में बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट पास किए हुए। ऐड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, अगर आपने कहीं से कुछ सीख रखा है लाइक यूनिक सिविल से, तो उसको भी वहाँ पर ऐड कर दो जिससे कि सामने लोग लगे अच्छा ये सर्टिफाइड काम कर रहा है, ठीक है, अच्छे तरीके से कर रहा है, इस चीज़ को लेकर भी आपको एक्सप्लेन कर देना चाहिए।
तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, फाइंडिंग वर्क एंड सबमिटिंग प्रपोजल, ठीक है। अच्छे से काम करिए। देखिए BIM में बहुत पैसा है, आपको पता होना चाहिए, आप में से कई लोग जानते होंगे शायद अरबाज को। अरबाज अपना BIM को, जो आपका सीनियर बैच का स्टूडेंट है, कल उसको 5 लाख का जॉब ऑफर हुआ। कितने लाख का? 5 लाख का जॉब ऑफर हुआ है, और अभी वो जा रहा है ज्वाइनिंग के लिए, शायद कल उसका पॉडकास्ट भी करूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि उसने उसने उसको पूछा गया था आपको कितनी सैलरी पटेशन है, वो बोला था 20। और जब उसको 20 वाले को अगर 5 लाख का पैकेज मिल जाएगा, उसका क्या हाल होगा, ठीक है। तो ही इज़ वेरी मच हैप्पी, क्योंकि उसको बहुत बड़ा पैकेज लग गया। तो इसलिए BIM में पैकेज, BIM में काम बहुत है, सिर्फ प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे प्रपोजल लिखना पड़ता है। फ्रेशर, फ्रेशर, यस, फ्रेशर इज फ्रेशर, बट इस कम्युनिकेशन स्किल इज एक्सेलेंट समीर, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है उसका। चलो, फाइंडिंग द राइट प्रोजेक्ट, कैसे हमको राइट प्रोजेक्ट पालना है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग प्रोजेक्ट डालेंगे, आपको ही कोई प्रोजेक्ट कैसे मिले, ठीक है। सर्चिंग फॉर अ प्रोजेक्ट एंड सेटिंग अप योर जॉब्स नीड, जॉब फील्ड। और आपको बता दूं, वो जो जॉब्स गाइड पर ओपनिंग डालता हूँ, वहीं से सारी ओपनिंग्स देख देख के अप्लाई करता है। तो आप आइडिया लगा लो कि हाँ, इससे बेनिफिट होता है। सर्चिंग फॉर अ प्रोजेक्ट एंड सेटिंग अप योर जॉब फील्ड्स, ठीक है। आपको देखना चाहिए कि आपको किस तरीके से क्या बोलते हैं एग्जैक्टली ओपनिंग्स, सॉरी, किस तरीके के काम हमको करना है। तो उस तरह के काम जब देखने लगोगे, तो वैसे ही ओपनिंग्स आपके सामने दिखेंगी कि यहाँ पर काम है, यहाँ पर काम है, यहाँ पर काम है, तरह तरह का, ठीक है। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिकमिंग एन एक्टिव एंड एंगेज मेंबर ऑफ अपवर्क। दिस हेल्प इंश्योर दैट यू यू नेवर मिस आउट ऑन प्रोजेक्ट एंड यू आर अ ग्रेट फिट फॉर, ठीक है। हाँ, अरबाज का हो गया प्रियदर्शी, तुम तो जानते हो ना अरबाज को। अरबाज का हो गया, आज ही फोन किया, अभी मुझे 4 बजे कॉल किया था, तो आज ही हुआ है, तो मुझे ही किया था पहले, तो मैंने पता चला कि अच्छा, तुमका अच्छा है, ठीक है। इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बिकमिंग एक्टिव एंड एंगेज मेंबर अपवर्क, ठीक है। अपवर्क पर ऐसे लोगों को आपको फॉलो करना है, ऐसे लोगों को जॉब फीड में ऐड कर, उसमें जॉब फीड में ऐड किया जाता है, जिससे कि उन्हीं के बारे में आपको दिखे, क्या उन्हीं के बारे में दिखे, ज़्यादा से ज़्यादा ओपनिंग्स के बारे में दिखे, ठीक है। उसके बाद भी उसमें क्या करना पड़ता है, सर्च बॉक्स रहता है, किस तरह के काम करना चाहते हो, तो पीक स्किल पे एक ऑप्शन होता है, क्या होता है पीक स्किल, वहाँ पे लिख दो कि मुझे ऑटो कैड पर जॉब चाहिए या फिर ऑटो कैड पर वर्क चाहिए मुझे। तो ऑटो कैड पर वर्क अगर आपको चाहिए, तो सारे ऑटो कैड की लिस्ट आ जाएगी, किस कंट्री में चाहिए, फिल्टर वगैरह लगा के आप डन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे डन करोगे, तो ऐड टू जॉब फीड आ जाएगा, और फिर वहाँ पर डेली आपको ओपनिंग्स दिखती रहेंगी। अच्छा, यहाँ पर वर्क चल रहा है, यहाँ वर्क चल रहा है, अप्लाई करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, ठीक है। जैसे अप्लाई करोगे, तो तुरंत आपको ऑफर आ सकता है कि किस तरह से आप प्रोजेक्ट को करना चाहते हो। तो प्रोजेक्ट दो तरीके से प्रोजेक्ट लोग हैंडल करते हैं, एक तो करते हैं, एक लड़का कमेंट कर रहा है कि मैं साइट इंजीनियरिंग का जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पर लोग मुझे बहुत जलील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके का वर्क होता है, एक होता है ऑनली, एक होता है फिक्स प्राइस, ठीक है। तो फिक्स प्राइस में क्या होता है, मतलब ऑनली में क्या होता है, ऑनली होता है कि आपको $5, $10, $15 पर आवर्स आपने फिक्स कर लिया, ठीक है। फिक्स प्राइस में क्या होता है, आपको फिक्स कर दिया कि आप 10,000 रुपये एक प्रोजेक्ट का लेंगे या 20,000 रुपये एक प्रोजेक्ट का लेंगे। तो इट्स अप टू यू। अगर आपने ऑनली किया, तो अपवर्क का ही एक साइट, एक ऐप है, तो उसमें क्या होगा कि आप जब काम करना स्टार्ट करोगे, तो रीड करता रहेगा कि आपने कितने मिनट उस प्रोजेक्ट पर काम किया है, उस मिनट के अकॉर्डिंग आपको प्राइस मिलेगा, ठीक है। उस मिनट में अगर आप बैठे थे, तो कुछ नहीं मिलेगा, जब तक काम किए हो, ऐप रीड करता रहेगा कि आप काम कर रहे हो, उस हिसाब से प्राइस मिलेगा। तो दोनों ही लोग मेथड यूज करते हैं। इट्स अप टू वर्क कि कैसा वर्क है, ठीक है। तो उस हिसाब से, जैसे टाइपिंग वाइपिंग का है, तो ऑनली बेसिस ही सबसे अच्छा रहता है। और अगर आपका काम है, तो आप प्रोजेक्ट का एक साथ कॉस्ट भी ले सकते हो कि भाई इतना लूंगा मैं, ठीक है। फिलहाल आपको अपवर्क सजेस्ट करता है कि भाई जो प्रोजेक्ट आप लो, उसको सबमिट करो, तो आप मेरे प्लेटफॉर्म से सबमिट करो, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि अगर आप पेमेंट भी ले रहे हो, तो अपवर्क के अकाउंट से लो, जिससे कि हमें भी कमीशन मिलता रहे। लेकिन अपने लोग बड़े दिमागदारी होते हैं, काम यहाँ से लेते हैं, पेमेंट बाहर से लेते हैं,
ठीक है, बहुत सी चीज़ें इसमें लोग करते हैं, बट वो अभी आपको नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ काम पे फोकस करना है। कोई भी काम के लिए आप अप्लाई करते हो आप, तो सबमिटिंग अ प्रपोजल एंड इंटरव्यू, ठीक है, तो वो आपका क्या करेगा, आपका प्रपोजल पढ़ेगा, ठीक है, आपके प्रोफाइल पे जाएगा, उसको अच्छा लगेगा तो इंटरव्यू लेगा। अब लोगे सर क्या पूछेगा, इंट्रोड्यूस सेल्फ, नहीं नहीं सब नहीं, इंटरव्यू मतलब एक छोटा सा सैंपल देगा, बोलेगा अभिषेक इसको करके दिखाओ, ठीक है। अब अभिषेक अगर एबल होंगे तो उसको करके दिखा देंगे छोटे से सैंपल को, अगर करके दिखा देंगे इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे, बस इतना ही इंटरव्यू होता है, ठीक है। अभिषेक ये करके दिखाओ, अभिषेक ने दिखा दिया अच्छे से करके, तुरंत उसको ट्रस्ट हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, अभिषेक को बड़ा सा काम दे देगा, भाई अब करो आराम से, ठीक है। तो वो भी चीज़ जो आपको टेस्ट भी देगा वो भी फ्री में नहीं देगा, उसके भी कुछ चार्जेस देगा कि भाई मैं तुम्हारा, मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार अभिषेक आप करके मुझे दिखाइए कि एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, कितना अच्छे से आप कर पाओगे। तो देखो इसका स्टेप होता है कि पहले आप प्रपोजल डाल दीजिए, सिंपल आईडी पे ही आपको प्रपोजल डालने का ऑप्शन आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे ही, मतलब जब अपवर्क के आईडी पर ही। उसके बाद रिव्यू करो अपने प्रपोजल को, और उसके बाद करेंट बैलेंस वगैरह देख लो कि भाई हमारा करेंट बैलेंस है ना, 60 लोगों को अप्लाई कर सकते हो ना, अगर आप 60 लोगों को अभी नहीं किए हो तो आराम से यहाँ से बैलेंस देख के अप्लाई कर दो। रीड बिलो फॉर द टिप्स ऑफ राइटिंग एंड विनिंग्स, ठीक है, आप ऐसा कंटेंट लिखो कि सामने वाला सुन के पढ़ के इम्प्रेस हो जाए कि यार इसी से काम करवाते हैं, इसके पास कुछ अलग चीज़ें हैं, कुछ अलग स्किल्स हैं, ठीक है। इंटर योर ऑफर रेट, ठीक है, आप $5 जो भी बोल रहे हो ऑफर बता दो। उसके बाद कवर लेटर अपना डाल दो है कि भाई हम ये चीज़ आपको करके देंगे, तो आप कवर लेटर अपना डाल दो। उसके बाद एड अचीवमेंट, क्या एड अटैचमेंट भी आप डाल दो, एंड सेंड द प्रपोजल, इस तरीके से अपने प्रपोजल को सेंड कर सकते हो। द क्लाइंट विल रिव्यू प्रपोजल एंड कॉन्टेक्ट फ्रीलांसर्स फॉर इंटरव्यूज, ठीक है। क्लाइंट क्या करेगा, वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है अगर एक्सेप्ट किया था, उसके बाद रिव्यू करके इंटरव्यूज तैयारी करेगा आपके लिए। तो क्या करेगा, हो सकता है आपको एक टेस्ट प्रोजेक्ट दे, बोले भाई इसको करके मुझे दिखाओ, ठीक है, दिस इज द वर्क वे टू फाइंड आउट एंड हेल्प यू टू वर्क टुगेदर एंड जस्ट टू श्योर एग्री अपॉन द प्राइजिंग एंड टर्म्स बिफोर, ठीक है। वो आपको बोलेगा कि आपको प्राइज वगैरह सब कुछ फिक्स है कि नहीं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। सर इफ क्लाइंट इज नॉट, लिखा हुआ इन्होंने, नॉट सेटिस्फाइड विथ वर्क देन व्हाट फर्दर प्रोसेस, दे विल गेट मनी और नॉट, नहीं 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 कुछ नहीं हो गया, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको काम क्यों देगा वो, अगर मतलब प्राइस देगा आपको, उस प्राइस का देगा, टेस्ट का जो प्राइस थोड़ा बहुत देगा वो देगा, क्योंकि अपवर्क की पॉलिसी है यहाँ पर कि अपवर्क बोलता है फ्री में नहीं करना है, ठीक है। देखो छठवें नंबर पर कहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, द क्लाइंट में प्रपोज टेस्ट प्रोजेक्ट, जरूरी नहीं कि आपको प्रोजेक्ट करें या ऑफर की करें, बट अगर किया टू गेट बेटर आइडिया ऑफ योर स्किल्स, दिस इज द ग्रेट वे टू फाइंड आउट हाउ विल यू वर्क टूगेदर, जस्ट बी श्योर टू एग्री अपॉन द प्राइजिंग एंड टर्म्स बिफोर बींग्स, ठीक है। देयर आर नो फ्री प्रोजेक्ट ऑन अपवर्क, दिस इज वॉल्यूशन ऑफ आवर पॉलिसीज, ठीक है। तो टेस्ट प्रोजेक्ट भी वो क्या करेगा, फ्री में नहीं करवा सकता है, दिस इज वॉल्यूशन फॉर आवर पॉलिसी, इनके पॉलिसी के खिलाफ है वो, तो उसको करना ही करना पड़ेगा। आफ्टर एवरीथिंग इज डिस्कस द क्लाइंट विल सेंड यू एन ऑफर, रिव्यू इट, एक्सेप्ट इट एंड स्टार्ट वर्किंग, उसके बाद क्या कर दो, वर्क करना स्टार्ट कर दो। तो दिस इज द प्रोसेस कि क्या क्या कैसे कैसे हमको करना है, और बाकी आपने प्राइस वगैरह सब पढ़ ही लिया कि प्राइस क्या है। अब बात करते हैं कि भाई प्रपोजल ऐसा कैसे लिख दूं कि बस देखते ही सामने वाला फिदा हो जाए कि नहीं यार काम तो इसी को देना है। सर वी कैन अपलोड इमेज ऑफ प्रोजेक्ट एंड वी वर्क ऑन, यस यस बिल्कुल कर सकते हो, वही तो करना है आपको, ठीक है, वही करना है, सो दैट क्लाइंट नोस द वर्क टू हैव द, बिल्कुल उसके बिना काम तुमको मिलेगा ही नहीं ना, अपना वर्क सैंपल उनको दिखाओ, इसलिए बोल रहा हूँ कि पोर्टफोलियो क्यों बनाने के लिए बोल रहा हूँ, बस यही रीजन है। ओके, देखो प्रपोजल में क्या लिखना चाहिए जिससे कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने गए होंगे तो कुछ अच्छा सोच के गए होंगे ना कि मैं ऐसे बोलूंगा जिससे कि वो मुझे मना ना कर सके, वो बात की बात है, उसके बाद मना किया कि नहीं वो तुमको पता होगा,
ठीक है, तो आप किस तरीके से प्रपोज करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ भी प्रपोजल देना पड़ता है। ठीक है, जितना बेहतर आपने वहाँ पर दिया था परफॉर्मेंस, उससे अच्छा यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पैसा मिलने वाला है, वहाँ आपको पता है क्या। यू कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशंस विथ योर प्रपोजल्स, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाईलाइट्स योर स्किल। क्या पहले आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस एवर्स योर सेल्फ, मतलब खुद को इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद हाईलाइट योर स्किल्स। ठीक है, अब आप आपको खुद की स्किल्स आपको पता है, एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस बताए, बट एक्सपीरियंस आपको वैसा शेयर करना है कि सामने लोग लगना चाहिए कि हाँ यार इसने कुछ काम सीखा हुआ है। ठीक है, एंड टेल द क्लाइंट व्हाई दे शुड अवार्ड यू द प्रोजेक्ट। आपको क्लाइंट क्यों अवार्ड करे, क्यों प्रपोज, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट दें। ठीक है, बोलते हो ना कि सामने वाले को भी रीजन चाहिए ना कि क्या बोलते हैं क्यों करें। ठीक है सर, कुछ लोग कन्विंस, कुछ लोगों की कन्विंस पावर बहुत अच्छी होती है, उसका रीजन क्या है। ठीक है, कुछ लोगों की कन्विंस पावर ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो डेफिनेटली उस कन्विंस करना पसंद करते हैं। जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हो ना, तो बहुत बेहतर ढंग से करने की कोशिश करते हो। ठीक है, किसी को लाइक कन्विंस करने की कोशिश, जब किसी को ना पसंद होता है कि यार मैं एक्सप्लेन करूँगा और सामने वाले को समझ में आना ही चाहिए, तो जब हम काम को पसंद करके करते हैं तो बहुत मन लगा के करते हैं, और जब मन लगा के करते हैं तो डेफिनेटली वो काम एक्सेप्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कन्विंसिंग पावर, मेरे अकॉर्डिंग यह सेल्फ बिलीफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सेल्फ बिलीफ, वो मैं कुछ ज़्यादा मानता हूँ कि जब कोई सेल्फ बिलीफ के साथ जाता है ना बड़े कॉन्फिडेंस से, तो उसका काम आधा से ज़्यादा ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, इट्स योर, और डेफिनेटली साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा टर्म हो रहता है। इट्स योर अपॉर्चुनिटी टू शो दैट यू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट एंड आर द क्वालिफाइड फॉर द प्रोजेक्ट। हियर द आइडियाज टू राइट स्टेलर्स प्रपोजल्स दैट वर्क्स विल द क्लाइंट लीड्स द इंटरव्यूज। ठीक है, तो आपको एक अच्छा सा प्रपोजल लेटर बनाना है। ठीक है, बना के सामने वाले को प्रपोज करना है। ठीक है, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ प्रपोजल्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से सामने वाले को बोलते हो, आपका क्या बोलते हैं कन्विंसिंग पावर जितना अच्छा रहेगा, उसके बाद वो क्या होगा, आपसे उससे उस कॉल पर वीडियो कॉल पर भी बात करेगा सामने वाला। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि वीडियो कॉल पर आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम क्लाइंट्स क्या करते हैं कि भाई हम बात कर लेंगे तब आपसे डन करेंगे। तो क्लाइंट जब बात करेगा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, जस्ट अंडरस्टैंड करेगा आपको कि एग्जैक्टली आप राइट पर्सन हो कि नहीं इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप हो तो डेफिनेटली कभी भी प्रपोजल लेटर कॉपी पेस्ट मत करो, अपने वर्ड्स खुद से लिखो, क्योंकि कॉपी पेस्ट किए तो आपका मैसेज जो है स्पैम में चला जाएगा। आप अप्लाई किए पड़े हो लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, इसलिए प्रपोजल लेटर आपको अपने हिसाब से हर कंपनी के लिए थोड़ा बहुत चेंज करके प्रपोजल लेटर देना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी का काम अलग अलग है ना, तो हर कंपनी के लिए आपको प्रपोजल लेटर अलग अलग तरीके से एडिट करके देना चाहिए। ऑन अपवर्क फ्रीलांसिंग सेट्स द नेगोशिएटेड प्राइस ऑन योर रेट्स। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो प्राइस आपने लगाया हुआ है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो प्राइस को एज पर वर्क। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक्स जिससे आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे आप आज से अपनी आईडी बनाओगे, 15-20 दिन कैसे मेहनत करोगे, ये चीज़ यहाँ से आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एक बार गो थ्रू हो लेना कि क्या क्या चीज़ें, इसके नीचे जो है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डूइंग द वर्क गेटिंग पेड। ठीक है, आपको कैसे पैसा मिलेगा, सीधी सीधी बात है, जितना काम करोगे उसके हिसाब से आपके आईडी के अकॉर्डिंग आपके आईडी में पैसा आता जाएगा, बाकी कमीशन अपना वो काट लेगा वर्क, बाकी आपके अकाउंट में भेज देगा। ठीक है, फिक्स प्राइसिंग वगैरह कैसे कैसे करते हैं, तो ये रहा कि काम को करना कैसे। ठीक है, अब इस काम में सक्सेस कैसे पाना है वो नेक्स्ट टॉपिक है, अलग से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिनिशिंग टचेस, फिनिशिंग मतलब कि सब कुछ देख लो कि सब कुछ परफेक्ट किया है कि नहीं किया हुआ है। ठीक है, कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद मैनेजिंग द एंड रेपुटेशन, अपनी प्रोफाइल वगैरह बना लो कि भाई ठीक है, अगर दिखा गया कि यहाँ पर क्या बोलते हैं समीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो समीर को देखते ही याद आ जाना चाहिए, अच्छा वो समीर है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको अपवर्क पे प्रोफाइल देना चाहिए, जिनके रिव्यू बड़े अच्छे हैं। तो अपने समीर ने जैसे ही प्रोटेक्शन के लिए अपने जस्ट प्रपोजल लेटर डाला, तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका रिव्यू प्रोफाइल अच्छा रहे। इंडिया में यूज होता है अपवर्क, यस यस, इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं। ये रहा कि काम कैसे करना है, एक पर्टिकुलर साइट इसका हम लोगों ने नाम लिया अपवर्क पे। ठीक है, अब बात करते हैं, अब मैं सबके लिए बात नहीं कर सकता ना कि फाइबर पे कैसे होगा या फिर freelancing.com पे कैसे होगा, सब पे सेम रहेगा, इसलिए अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग में सक्सेस कैसे पाना है। ठीक है, फ्रीलांसिंग कोई भी कर सकता है, आईडी बनाना आपको मैंने पूरा स्टेप बता दिया, अब फ्रीलांसिंग में सक्सेस कैसे पाना है। ठीक है,
आइए फ्रीलांसिंग में सक्सेस कैसे पाना है समझते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है फ्रीलांसिंग में, जहाँ पर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या पर जहाँ से काम आप लोग छोड़ देते हैं, लोग छोड़ देते हैं, वो सबसे मेन काम है क्या? वो सबसे मेन काम है हाउ एंड वेयर टू फाइंड क्लाइंट्स। क्लाइंट ही नहीं मिलेगा तो आप कितने दिन तक मोटिवेट रहोगे? ठीक है, धीरे बोला, अरे यार सर ने पता नहीं क्या बताया था, मैंने सोचा पैसा वैसा मिलेगा, ये तो 2 दिन हो गया अभी तक कोई पैसा ही नहीं मिला। तो भाई 2 दिन में पैसा मिलने लगे ना तो फिर क्या दिक्कत है, पूरी दुनिया फ्रीलांसिंग ही ना करे। ठीक है, इसमें बहुत ही कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, डेली अप्लाई करना है। ठीक है, ऐसा करना है कि मुझे लग जाए कि यार जब भी मैं ओपनिंग डालता हूँ ये बंदा मुझे डेली अप्लाई करता है, चलो इसकी प्रोफाइल देख ही लेता हूँ। जब इस तरीके से हो जाएगा तब जाके आप समझो कि सक्सेस आपको मिलने लगेगी। और एक बार क्लाइंट अगर आपके साथ पैचअप हो गया, अब वो अपवर्क को भूल जाएगा, आप भी अपवर्क को भूल जाओगे, आप दोनों की एक अच्छी दोस्ती हो जाएगी। बस वो काम देगा आप करोगे, वो काम देगा आप करोगे, पैसे आप दोनों एक दूसरे को, अपवर्क की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अपवर्क को फिर आपको $500 में से 20% देने की जरूरत नहीं है, आप बल्कि इसके जगह पे उसको बोलो कि $500 पे हम 10% डिस्काउंट दे देंगे, वो भी खुश तुम भी खुश। इस तरीके से बहुत अच्छा पैसा मिलने लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है द हंट, हाउ एंड वेयर टू फाइंड क्लाइंट। ठीक है, जरूरी नहीं कि क्लाइंट जो हो वो आपके सारे के सारे अपवर्क या फिर फाइबर या फिर guru.com या फिर freelancing.com से ही आए। क्लाइंट आपके आ सकते हैं फेसबुक से भी, वो भी फ्रीलांसिंग साइट है। ठीक है, लाइक इंस्टाग्राम से भी आ सकते हैं आपके क्लाइंट्स। ठीक है, और ट्विटर से भी आपके क्लाइंट्स आ सकते हैं, कहीं से भी आपके क्लाइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसके अलावा नेटवर्क से भी क्लाइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, आपने क्या कर रखा है, इतनी अच्छी दोस्ती बना कर रखी लोगों से, काम आता है, लोग नेटवर्क से लोग अपने आप ही आपके साथ जुड़ते हैं, ये भी एक काम मतलब फ्रीलांसिंग का काम है। तीसरा, एक दूसरे को शेयर करने से, मतलब कि मेरे को अच्छा लगा, मैंने क्या क्या रिफर कर दिया, क्या क्या बोलते हैं, शुभम का काम बड़ा अच्छा है, लास्ट टाइम मैंने इनका काम देखा था, आई वॉज वेरी हैप्पी, तो शुभम का काम मैंने बताया, रिव्यू दिया, तो क्या बोलते हैं समीर हैप्पी हो गए, समीर बोले मैं भी इसी से क्या बोलते हैं वर्क करूँगा, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके से काम ले सकते हैं, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट है हाउ टू मार्केट योर सेल्फ, मतलब ब्रांड ऑफ यू। ठीक है, आपको एज अ ब्रांड कैसे देखा जाए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पर हम डिस्कस करेंगे। बाकी नीचे जो चीजें हैं वो तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बेस्ड ऑन टू री थिंक योर प्राइजेस। री थिंक मतलब अगर आसान भाषा बोलूं, आप जिस प्राइस पर हो, मान लो आप $10 पर आर पे हो, काम आपको इतना मिल रहा है कि आपको करने की फुर्सत ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि अब समय आ गया है $10 को $15 करने का। ठीक है, आप $10 पे काम कर रहे हो, आपको महीने में केवल 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट मिल रहा है, इसका मतलब कि अभी राइट टाइम नहीं है $10 पर आर पे काम करने का, आप $5 $7.5 पर आर पे चले जाओ, मतलब रेट कम कर दो और आराम से आपके पास भीड़ लग जाएगी लोगों की। तो इस तरीके से रीथिंक करना पड़ता है बीच बीच में। ठीक है, और कैसे पैसे मिलता है ये सब समझना पड़ेगा। और सीक्रेट जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, कल को 1 लाख का काम है आपने किया, उसके बाद उसने बोल दिया कि दिखाओ, फिर उसने बोला यार मुझे पसंद नहीं, या फिर वो किसी और से करवा लिया, तो आपका तो लग गया ना। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी कंसीडर्ड इनिशियली फॉर अ फ्रेशर? मॉडलिंग, मॉडलिंग विल बी द बेस्ट अजय। ठीक है, मॉडलिंग इज द इजी वे टू फाइंड द जॉब। ठीक है, 3D मॉडलिंग इज द बेस्ट वे आई थिंक फॉर यू नाउ, एंड कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो 6वें नंबर पे है, जिसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे, अब लोग सर ऐसा क्या है, सीक्रेट टू इफेक्टिव क्लाइंट कम्युनिकेशन। क्लाइंट के साथ बात करो तो क्लाइंट इम्प्रेस हो जाना चाहिए आपके बात से, उसको कॉन्फिडेंस में आपको ले लेना है कि भाई आप राइट प्लेस पर आ गए हो, अब खोजने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ होगा कि कहीं पर गए होगे आप लोग कुछ खरीदने के लिए, तो दुकानदार ने ऐसा ट्रीट किया होगा कि आपको लग गया होगा कि यार ये राइट प्लेस है और यहीं पर मुझे खरीद लेना चाहिए, बाकी जगहों पर जाना मतलब बेवकूफ़ी होगी मे बी। और कई जगहों पर जाके ऐसा लगा होगा क्या यार गलत दुकान पर एंट्री कर लिया क्या, तो ये किसका दम था, ये दम था क्लाइंट कम्युनिकेशन का, जैसे उसने ट्रीट किया वैसा आपके माइंड में थॉट आया। योर पिगी बैंक मैनेजमेंट फाइनेंस, ठीक है, आप किस तरीके से पैसों को मैनेज करते हो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है हम पैसे मैनेज कर लेंगे, इसमें क्या है,
ठीक है, लेकिन जब आपके पास एक एक लिमिट से जब ऊपर का बैलेंस आने लगता है तो मैनेज करना टफ हो जाता है। ठीक है, जब आपके पास सपोज आपकी लिमिट कितनी है, अप्रॉक्स मान लीजिए कि आपको 40,000 रुपये मंथली आपके लिए सफिशियंट अगर है, और अगर आपको 80-90 हज़ार या फिर 4 लाख के आसपास मंथली आने लगा या फिर 2 लाख के आसपास आने लगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि इस काम को, इस पैसे को कैसे मैनेज करूँ। ठीक है, उसके लिए आपको मैनेजिंग फाइनेंस के स्किल भी होनी चाहिए आपके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ, कल मैं किसी का एक वीडियो सुन रहा था, उस वीडियो में बड़ा अच्छा लिखा था, दो वीडियो सुना, दो वीडियो बड़े, एक वीडियो, एक पॉडकास्ट सुना, एक वीडियो सुना, दोनों ही मुझे अच्छे लगे। तो पॉडकास्ट से पहले वीडियो बताता हूँ। वीडियो में मैंने सुना था कि वीडियो से अच्छा तो उसका था, पॉडकास्ट वाले का था। पॉडकास्ट में सोनू शर्मा करके मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि जो लोग शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, क्या देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, वो 4 से 5 वीडियोस देख लेंगे, लेकिन वो वीडियो सिर्फ जैसे ही एक वीडियो देखा, कुछ अगर वहां से उन्होंने सीखा हुआ है, 8-10 वीडियो और देख लेंगे, तो मैक्स पॉसिबिलिटीज रहेगा कि सारे के सारे कंटेंट का नॉलेज वो भूल जाएंगे। मतलब शॉर्ट वीडियो तुम कितना भी देख लो, तुम्हारे माइंड में कुछ घुसेगा नहीं, ठीक है, माइंड में कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुमने लॉन्ग वीडियो देख लिया, अगर तुमने लॉन्ग वीडियो देख लिया, तो वो चीज़ें तुम्हें, तुम्हारे पास माइंड में काफ़ी टाइम तक के लिए जुड़ जाती है, काफ़ी टाइम तक के लिए जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग वीडियोस पे हमें जो भी जैसे फाइनेंस रिलेटेड भी सीखना है, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, और एक दूसरा वीडियो मैंने सुना था कि जो लोग 30,000 भी महीने का अर्न करते हैं, अगर वो सही तरीके से अपने लाइक बैलेंस करते हैं वर्क, लाइक मैनेजिंग स्किल को, फाइनेंस स्किल को अपने अपडेट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा अपने करियर में कर सकते हैं। विद्यालय ओनली 30,000, 30,000 से ही बहुत अच्छा करियर में कर सकते हैं अगर उनके पास मैनेजिंग स्किल हो तो। ठीक है, ठीक है, और 25 आवर्स इन अ डे, ठीक है, हाउ प्रोडक्टिव एज अ फ्रीलांसर, आपको फ्रीलांसर के तौर पे कितना एक्टिव रहना चाहिए, आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, काम आया यस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ग्रोइंग एज अ फ्रीलांसर, ठीक है, कैसे ग्रो करना है, ठीक है, आपको एक के साथ दो की टीम कैसे बनानी है, दो के साथ तीन, वेयर टू गो नेक्स्ट, फिर आगे क्या करना चाहिए, ये पूरी किताब है, ठीक है, जो बहुत इंप्रेसिव है। लेकिन इसमें से मैं दो पॉइंट्स पर ज़्यादा डिस्कशन मेरा रहेगा, या दो पॉइंट ही मैं डिस्कस करूंगा बोल सकते हो। एक है हाउ एंड वेयर फाइंड क्लाइंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, दूसरा ब्रांड कैसे बनाना है खुद को, बाकी चीज़ें तो आप खुद से कर लोगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ों पर ही हम डिस्कस करेंगे, बाकी आपको घर के लिए दे देंगे, आपका मन करेगा जितने अच्छे से उतने अच्छे से आप उसको कर लेना। ये बोल रहे हैं कि इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑल्सो अवेलेबल फॉर द, यस यस रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट रहते हैं अजय, यू कैन डू दैट। चलिए, बुक स्टार्ट होती है 12 नंबर पेज से एग्जैक्टली, ठीक है, तो 12 नंबर पेज पे भी केवल कवर लेटर वगैरह दे रखा है। ठीक है, क्या कवर लेटर दे रखा है, द हंट, क्या द हंट, हाउ एंड वेयर टू फाइंड क्लाइंट, ठीक है, कैसे क्लाइंट को सर्च करना है, ये चीज आपको सीख लिया आपने तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपने कर लिया। ठीक है, यू कांट फ्रीलांसिंग विदाउट क्लाइंट्स, क्लाइंट ही नहीं तो कैसी फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि भाई क्लाइंट का क्या इंपॉर्टेंस है फ्रीलांसिंग में। बोल दो कि ऑक्सीजन के बिना कैसे इंसान जी सकता है, तो मतलब बिना बिना क्लाइंट के आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हो। तो यू कांट फ्रीलांस विदाउट क्लाइंट्स, क्लाइंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी फ्रीलांसर, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को पहले लिया हुआ है। ठीक है, और चैप्टर भी पहले नंबर इसी को दिया गया है, एनी फ्रीलांस लाइफ साइकिल एंड गेटिंग देम इज ऑफन द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ न्यू फ्रीलांसर्स। ठीक है, जो नए फ्रीलांसर है जैसे कि आप हो, तो आपके लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग होता है कि नए प्रोजेक्ट कैसे लेना है। मेनी विल फेस चिकन एंड एग्स प्रॉब्लम, ठीक है, चिकन एंड एग प्रॉब्लम्स, इट्स हार्ड, क्या इट्स हार्ड टू गेट क्लाइंट विदाउट पोर्टफोलियो और नेटवर्क और रेफरेंस ऑफ रेफरेंस। ठीक है, विदाउट पोर्टफोलियो, अगर आपके पोर्टफोलियो नहीं है प्लस आपका नेटवर्क भी अच्छा नहीं है, मतलब लोग आपको जानते भी नहीं है और रेफरेंस भी कोई नहीं दे रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है काम को लेना। बट इट्स ऑल्सो हार्ड टू बिल्ड दोज विदाउट क्लाइंट्स। ठीक है, अगर आपको क्लाइंट नहीं है फिर भी अगर आपने अच्छे से अपना सब कुछ मैनेज कर लिया और एक प्रोजेक्ट आपको मिल गया, इट्स अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम बट ऑन दैट्स वेरी सॉल्वेबल। एक बार आपको क्लाइंट मिल गया बस आपका लाइफ अब धीरे धीरे सॉर्ट होना आसान हो गया।
घर पे बैठ के आप इससे, मैं बोल सकता हूँ कि आप एज ए फ्रीलांसर 1.5 से 2 लाख रुपए अर्न कर सकते हो। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, ठीक है ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, कुछ समय बाद आपको महसूस होगा, अभी आपको लग रहा होगा अरे ये तो कुछ नहीं सर तो कुछ भी बोल रहे हैं 1 से 1.5 लाख रुपए। आप 1 से 1.5 लाख रुपए मिनिमम अर्न कर सकते हो, बट ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, कुछ समय के बाद ये समझोगे आप, ठीक है। इट्स एन, क्योंकि मैं भी नहीं समझा था अपने टाइम पे, ठीक है, क्योंकि मैं भी नहीं समझा था अपने टाइम पर, इसीलिए मैं उतना काम नहीं कर पाया, उतना अर्न नहीं कर पाया जानते हुए भी जितना मुझे कर लेना चाहिए था। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वेयर एंड हाउ यू फाइंड क्लाइंट्स विल चेंज ओवर टाइम, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज बी डाइवर्सिफाइड, जस्ट लाइक इट्स बेट टू रेली ऑन द टू क्लाइंट्स फॉर ऑल वर्क, इट्स बेट टू रेली सिंगल सोर्स whether it's online marketplace or your own network or someplaces else। इतनी बड़ी बात लिखी हुई, इतनी अच्छी चीज लिखी हुई है कि आप किसी भी बिजनेस में हो, ठीक है, एक क्लाइंट पर या दो क्लाइंट पर पूरा टाइम डेडिकेटेड मत रहो। कल को वो क्लाइंट जा सकता है, ठीक है, आपका क्लाइंट है, मुझे पता चला आप उसको $70 पर आज में करके दे रहे हो, ठीक है, मैंने उसको ऑफर कर दिया ₹50 पर डॉलर में, कहाँ $50 पर आर्ट्स में कितना टाइम तक आपके पास रुकेगा, और मैंने काम आपसे भी बेहतर करके दे दिया, आप तो गए ना, ठीक है। तो एक क्लाइंट पर कभी भी फ्रीलांसिंग साइट्स पे नहीं रहना चाहिए, फ्रीलांसिंग साइट में नए नए क्लाइंट्स को हंट करते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आज नहीं तो कल एक छोड़ के जाएगा, दूसरा रहेगा, 10 हैं तो एक चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही है चला गया तो क्या करोगे, सोच समझ के, ठीक है। इसलिए, और वैसे तो अच्छी चीज़ बताऊँ कि लाइफ में भी आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए, मैं खुद ही फॉलो करता हूँ इस चीज़ को, इसलिए बोल रहा हूँ, कभी भी वन सोर्स ऑफ इनकम मत रखो। वन सोर्स ऑफ इनकम रखोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि अगर वो काम, क्योंकि हर एक काम अप एंड डाउन होता है, जैसे यहाँ पर है कि एक ऑनर नहीं रखना चाहिए, एक क्लाइंट नहीं रखना चाहिए, वैसे लाइफ में एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ आपको क्या करना चाहिए, जॉब के साथ आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, दो सोर्स ऑफ इनकम हो गया ना, कल को एक में प्रॉब्लम है दूसरा बैलेंस कर लेगा, कि फ्रीलांसिंग से काम नहीं आ रहा है, सैलरी से काम हो गया, सैलरी नहीं आ रही है टाइम पर, या फिर अच्छी सैलरी नहीं आ रही है, फ्रीलांसिंग कवर कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा दूसरे पर एक पे ही लाइक वो नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। अभी जैसे मैं यूनिक सिविल चलाता हूँ, इसके अलावा मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास क्या है कि मुझे प्रोजेक्ट का सहारा मिल रहा है, यूनिक सिविल का सहारा मिल रहा है, प्लस मेरे और भी सोर्स ऑफ इनकम से, जैसे कि मैं शेयर मार्केट में काफ़ी हद तक लाइक 2 से 3 घंटा तो करता ही करता हूँ, तो उसमें भी बहुत एक्टिव हूँ, और भी बहुत से सोर्स हैं जो मैं क्या बोलते हैं डेफिनेटली वो पर्सनल हो जाते हैं सारे, बट आप ये समझो कि मैं 4 से 5 डायनेमिक इनकम सोर्सेस रखा हुआ हूँ, ठीक है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, एक कहीं पर स्टॉप भी होता है तो मेरे 4 मुझे बहुत संभाल देंगे, ठीक है। मैंने सोचा था कि इसको 10 करूंगा, पर अभी 10 नहीं कर पाया हूं, तो क्या बोलते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अपने लाइफ में 10 सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लूं, जिसमें से एक कभी रूठ जाए तो 9 कहें नहीं नहीं चलो तुम भी चले चलो, तो साथ में वो भी रन कर दे, ठीक है। ऐसा आप भी कुछ ऐसा ट्राई करना कि जॉब के साथ एक और कुछ करूंगा, मैं 2 को आपको बोलता हूं, 10 मत करो आप, 10 करने में मुझे तो अभी देखो मैं 5 पे पहुंचा हूं, अभी 5 भी नहीं 4 पे सही तरीके से पहुंचा हूं, 4 को करने में मुझे 6 साल लग गए हैं, तो डेफिनेटली टाइम लगता है, ठीक है। तो देखो ये क्या लिखा है, ऑनलाइन मार्केट प्लस, ठीक है, काम 3 तरीके से करना चाहिए अगर आप फ्रीलांसिंग ही करना चाहते हो, 3 तरीके से करना चाहिए। पहला है नेटवर्क, नेटवर्क मतलब आप किसी संस्था से जुड़े हो, वहाँ बहुत से लोग हैं, वहाँ पर आपकी क्या हो गई फेस टू फेस वैल्यू बढ़ रही है आपकी, आपको लोग जानने लगे हैं, एक नेटवर्क बन गया आपके सोसाइटी में, ठीक है, तो आपको क्या हो गया वहाँ से काम मिलेगा, पहला काम है। दूसरा काम है रेफरल, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा काम है रेफरल। आपको क्या करना चाहिए, कई लोगों को बोलना चाहिए कि भाई आपको अगर काम मेरा अच्छा लगता है जो आपने आपका मैंने किया हुआ है तो आप दूसरों को बताओ, प्लस जिसने देखा हुआ है उसको बोलो कि भाई आप भी दूसरों को बताओ, तो इसको बोलते हैं रेफरल, ठीक है। उनको ये बोल सकते हो कि आपको रेफरल इनकम मिलेगी, आजकल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं ना कि रेफरल इनकम, आप सबको पता होगा ये ऐप शेयर कर दो 10 रुपये मिलेगा 100 रुपये मिलेगा, इस तरह की चीज़ें होती है, तो ये क्या है, ये रेफरल है, ठीक है, जिससे कि बहुत से डाउनलोड्स लोगों को बढ़ जाते हैं, तो ये हो गया। तीसरी चीज हो गई है ऑनलाइन मार्केट प्लस, ठीक है, सबसे अच्छा जगह यही है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट प्लस पे बहुत आराम से आपको काम मिलता है, लेकिन तीनों पर जुगाड़ बैठाए रखोगे तो कहीं ना कहीं से आपको काम मिलता रहेगा एज ए फ्रीलांसर, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, ठीक है, एंड जॉब बोर्ड फॉर द फ्रीलांसर्स, बहुत ऐसे साइट्स हैं,
चार पांच तो हम लोग जानते ही हैं, freelancing.com, upwork.com, fiverr.com, guru.com, ये सब तो फेमस है, इसके अलावा भी बहुत से साइट्स हैं, बट मैं बोलूँगा जो फेमस है उन्हीं पर काम करना तो बेहतर रहता है, पेमेंट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। द नंबर सीम्स टू बी ग्रोइंग ईच वीक्स, ठीक है, ये हर वीक्स वीक्स में कुछ ना कुछ फ्रीलांसर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, नए नए फ्रीलांसर्स आ रहे हैं, नई नई साइट्स क्रिएट हो रही हैं, होंगी हमेशा के लिए। दे कैन हैव बेट रेपुटेशन अमंग द फ्रीलांसर्स, स्पेशली द लार्जेस्ट मोस्ट वेल नोन साइट अपवर्क, अपवर्क पे काफ़ी लोग अभी मार्केट में है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा काम अच्छा करने वाले बहुत कम लोग हैं, काम अच्छा करने वाले बहुत कम लोग इसके अंदर है, ठीक है। तो रेस तो है, लेकिन रेस में जीतेगा वो जिसका काम अच्छा होगा, ठीक है। मोस्ट थिंग ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस आर नाइदर होल और नाइदर होली बैड और गुड, ठीक है, दे डिपेंड ऑन हाउ यू यूज देम, ठीक है, कैसे आप मार्केट प्लेस को यूज कर रहे हो, मतलब कि आप कैसे उनसे काम लेके फिर अपना रिलेशन बिल्टअप कर रहे हो क्या क्लाइंट के साथ, नहीं कर रहे हो तो क्या आप हर काम हर बार जाके प्रपोजल ही देते रहोगे, ठीक है, तो फिर हर बार प्रपोजल देते रहे तो ये कुछ ऐसे हो गया कि डेली एक नई गर्लफ्रेंड का मतलब नई लड़की को आप प्रपोज करने जा रहे हो, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको बार बार यही काम थोड़ी करना है, जीवन में और बड़े बड़े काम सोचना है आपको ना, तो आप क्या करना है, आपको सीधे एक से अगर एक का काम अच्छे से कर दिया, ठीक है, उसको समझ में आ गया तो क्या होगा, डेफिनेटली वो कहेगा अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम से आप मेरे प्रोजेक्ट करोगे, आप मेरे प्रोजेक्ट करोगे, तो आपको बार बार बिडिंग करने का, बिडिंग मतलब क्या बोलते हैं, प्रपोजल लेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फॉर फ्रीलांसर्स जस्ट स्टार्टिंग आउट ऑनलाइन नेटवर्क्स कैन द ग्रेट प्लेस टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, गेन एक्सपीरियंस एंड अ शॉर्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स, सिंस यू गेट कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू अ लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स, यू ऑल्सो विल क्विकली गेट अ सेंस ऑफ हाउ स्पेसिफिकेटेड नॉन असोसिएटेड क्लाइंट्स आर एज वेल एज दे आर थिंक अबाउट द प्राइस एंड वैल्यूज, ठीक है। तो कुल मिला के आपको मार्केट प्लस से जैसे लोगों से भी कनेक्ट होते हो उन लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है जिससे कि लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके साथ जुड़ सके। इस तरीके से अगर आप मार्केट में रहोगे तो वही लोग आपको रेफर कर देंगे नेक्स्ट लोगों के बीच में, ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है पर्सनल नेटवर्क एंड रेफरल्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल नेटवर्क आपको डेली बनाना चाहिए, ठीक है। मैं खुद भी जब क्या बोलते हैं कहीं पर भी रहता हूँ, चाहे पुणे में रहूँ चाहे क्या बोलते हैं अपने होम टाउन में रहूँ, तो वो क्या बोलते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों से मिलूँ, ठीक है, कई लोग जो पुणे से होंगे मुझे जाते हूँ, मैं डेली दो तीन लोगों से तो पक्का ही मिलता हूँ, लोग मिलने जो जो भी मिलता है मैं बोलता हूँ ठीक है आ जाओ बात करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ भी, कुछ सिखाता भी हूँ, तो ये एक अच्छी चीज़ है जिससे मुझे कुछ नया मिलता है जो भी पुणे के आसपास है, मैं डेली कुछ ना कुछ कई लोगों से तो मैं खुद ही जाके मिलता हूँ कुछ सीखने के लिए, ठीक है, और आपको भी ये करना चाहिए, आई थिंक पर्सनल नेटवर्क बोलते हैं उसको जो कि आपको बनाना चाहिए, तो ये चीज़ अच्छी है। दूसरी चीज़ रेफरल्स, तो आई डोंट थिंक इसको बताने की ज़रूरत है, आप समझ गए होंगे नाम से ही, क्लाइंट रेफरल आर द हाई क्वालिटी बट ऑफ एन अंडर यूटिलाइज, ठीक है, लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन रेफरल से जो ट्रस्ट बनता है बहुत अच्छा बनता है। चैलेंज टू फाइंड वर्क, इफ क्लाइंट हैज लव वर्किंग विथ यू इन पास्ट द चांस आर द गुड दैट दे नो अदर बिजनेसेस सिमिलर टू देयर एंड दैट सेम्स दोज बिजनेस आर नीड सिमिलर सर्विसेज, ठीक है, अब उनके पास कोई दूसरा भी काम आता है तो वो आप ही को याद करेंगे कि यार इस बंदे से जो काम करवाया था इसके साथ जो काम किया था बहुत बेस्ट उसने काम करके दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ से क्या होता है कि आपका पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छा होता है। हमने एक काम बहुत पहले लिया था 1.5 साल पहले, तो उस काम में जिसको जिसके थ्रू काम करवा रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स मैं तो नहीं करूँगा, जिसके थ्रू मैं काम करवा रहा था उसने काम थोड़ा गलत कर दिया, मतलब अच्छे से नहीं किया, तो क्लाइंट ने मुझे बोला कि आप कैसे काम कराते हो, तो मुझे बड़ा बुरा लगा, तो मेरे कुछ कुछ मेरी बेनिफिट जो आ रहा था, मुझे जो प्रॉफिट आ रहा था लगभग 50,000 का प्रॉफिट मुझे मिल रहा था उस काम से, मैंने दूसरे क्लाइंट को मतलब दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, मैंने उसको बोला इस काम को परफेक्ट कर दो, ठीक है, इस काम को परफेक्ट कर दो और ये मेरा 50,000 रुपये का प्रॉफिट है, तुम पूरा का पूरा रख लो। उसने फिर से उस काम को पूरा किया अच्छे से और पूरा 50,000 रुपये उसने ले लिया, मुझे एक भी रुपये नहीं मिला उसमें, ठीक है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत टाइम गया बट आई वॉज वेरी हैप्पी। क्यों, आज मैं प्राउडली उनको बोल पाता हूँ कि देखिए मैंने आपका काम कैसे करके दिया हुआ है, और इसके वजह से अब उस काम को जो देखता है वो मेरा नाम लेता है कि अच्छा ठीक है उनके माध्यम से कराया था ऐसा ऐसा काम अच्छा हुआ था। तो 50,000 इंपॉर्टेंट नहीं था वहाँ पर, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था कि अगर मैं सोचता कि 50,000 तो आ ही गया है क्या फ़र्क पड़ता है, जान दो
ठीक है, तो मेरा वहां पर क्या होता है, पर्सनल ब्रांडिंग खराब हो जाती है और फिर आगे के लिए रेफरल में भूल जाता है कि उस एरिया से कुछ रेफरल मिलेगा। इस चीज को हमेशा याद रखो, पैसा बचे या ना बचे, क्लाइंट को ऑलवेज आपको हैप्पी करके छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि पैसा तो उसी का कोई रिश्तेदार फिर से पूछे तुम्हें क्यों देगा, किसको देगा, ठीक है, तो उस इससे आपको कमाई लोगे। तो यू कैन गेट सेवरल डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू गेटिंग द क्लाइंट रेफरल, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अभी दिवाली आ रही है, कई लोग क्या करेंगे, लड्डू लेंगे, ठीक है, लड्डू लेके अपने लड्डू जैसे मजाक करूँ, लड्डू कुछ भी जो स्वीट्स लेंगे, स्वीट्स लेने के बाद वो अपने जो भी कॉन्टेक्ट वाले लोग हैं सबको शेयर करेंगे, उनको बोलेंगे हमारे तरफ से आपको ये भेंट है दिवाली का। तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, वहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट तैयार कर रहे हो, अरे वाह यार इसके घर वाले तो बड़े अच्छे हैं, इसने तो मिठाई भेजा हुआ है, लड्डू भेजा हुआ है, तो ये भी एक ब्रांडिंग का एक मेथड है। जैसे एग्जाम्पल दिवाली से याद आ गया, ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। हमारे घर के पास में एक डीजे वाला था, वो पूरे एरिया में बहुत ढेर सारी मिठाइयाँ बंटवाता था, और जिसके यहाँ भी शादियाँ होती थी डीजे उसी का जाता था। तो पहले, अभी भी डीजे का ट्रेंड है बट पहले बहुत ज़्यादा ही था, तो उसको बुकिंग इतनी मिलती थी कि उसके अलग अलग जगहों पे एक एक दिन में मतलब पूरे एरिया का सबसे बड़ा डीजे वाला वो बन चुका था। सिर्फ और सिर्फ ही नहीं रहा होगा, बट डेफिनेटली क्वालिटी भी रहा होगा, बट वो मिठाइयाँ बहुत बांटता था, हम लोग के घर हर साल देता था, ठीक है। तो कुल मिला के पर्सनल ब्रांडिंग आपको करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा आज के टाइम में पर्सनल ब्रांडिंग मिठाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है सोशल मीडिया। क्या इंपॉर्टेंट हो चुका है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर किसी तरीके से किसी को आप हेल्प करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है आज के टाइम के हिसाब से। तो सोशल मीडिया पर आप क्या बेटर कर सकते हो, आप खुद सोचो। तो यूजिंग प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ठीक है, इनके माध्यम से भी आप लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाते हो, तो लोग आपको याद रखेंगे कि अच्छा ठीक है, मैंने फोटो डाली थी, उसने लिखा था लुकिंग हैंडसम, ठीक है, मतलब कुछ पॉजिटिव अच्छा है, ठीक है। ट्विटर पे मैंने ट्वीट किया था, सबने बोला था आई एग्री विथ यू, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप पर्सनल ब्रांडिंग तैयार कर सकते हो। लिंक्डइन पर काम डाला था, मेरा काम को उसने अप्रिशिएट किया था कि वेरी नाइस डिज़ाइन। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, इनके माध्यम से आपको हेल्प लेना चाहिए। और इवन इंस्टाग्राम कैन बी इजी वे टू नेटवर्क, ठीक है, मतलब चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे ये हो, ठीक है, विद अदर फ्रीलांसर्स, ठीक है, फ्रीलांसर सारे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम से काम उठा रहे हो या कहीं से भी काम उठा रहे हो, सब फ्रीलांसर ही है ना। मोस्ट ऑफ प्रोफेशनल इंक्लूडिंग फ्यूचर क्लाइंट्स आर फाउंड एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ दिस चैनल्स, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ दिस चैनल्स, ठीक है, कहीं ना कहीं से आप काम उठाओ, चाहे लिंक्डइन से उठाओ, चाहे फेसबुक से उठाओ, चाहे इंस्टाग्राम से उठाओ, कहीं ना कहीं से उठाओ, यू आर मोर लाइकली टू कम अक्रॉस दोज कॉमन इंटरेस्ट दैट वुड बी नेवर मीट अदरवाइज, ठीक है। तो कुल मिला के आप सोशल मीडिया से और इंक्लूडिंग सबसे मिल के इस तरीके से अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको काम मिलता रहे, तो आपका क्या होगा, ब्रांड बनता चला जाएगा। और इन सबसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, पोर्टफोलियो, जिसके लिए मैं कई बार बता चुका हूँ आप सबको कि जितना अच्छा पोर्टफोलियो रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए इम्प्रेसिव रहेगा सब कुछ, ठीक है। योर पोर्टफोलियो इज एन इसेंशियल टूल टू क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर योर वर्क एंड एक्सपीरियंस। इट प्लेज अ वाइटल रोल ऑफ द मार्केटिंग एंड योर टैलेंट, बट इट्स नॉट अ सिल्वर बुलेट टू गेटिंग अ न्यू क्लाइंट, ठीक है। केवल पोर्टफोलियो स्ट्रांग करते रहोगे ये जरूरी नहीं कि आपको क्लाइंट रोज मिलते रहेंगे, बिकॉज जस्ट लाइक अ सोशल मीडिया इट मस्ट हैव टू बींग रिलीवेंट बट अनलाइकली ऑन इट्स ओन ब्रिंग इन बंच ऑफ द न्यू क्लाइंट्स, ठीक है। सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग हैं ना, ठीक है, आपके काम से रिलेटेड कौन है वो आपको कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो रिलीवेंट चीज़ें आपको डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीवेंट पर्सन तक। तो इसलिए जरूरी नहीं कि आप पोर्टफोलियो बस स्ट्रांग करते चले जा रहे हो, आपको लोग मिलते चले जाएंगे, नहीं, आपको रिलीवेंट कैंडिडेट तक उसको पहुँचाना पड़ेगा। While it can convert an uncertain prospect or convince an existing client to have to take the bigger roles, it is still up to you to drive attention to it and make sure that it answers all the questions they have about how you can solve their problems. तो कुल मिला के आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनाना है, पोर्टफोलियो से भी आपको बहुत ढेर सारे वर्क मिलेंगे। तो ये दो मेन लेसन्स हैं इस बुक के, बाकी चीज़ें आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है।
ठीक है, इसके अंदर बाकी चीज़ें आपको दे रखी है कि कैसे आपको मनी मैनेजमेंट करना है, ये मुझे लगता नहीं कि आपको एक्सप्लेन करने की नीड है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सबसे मेन क्या है, सबसे मेन है काम कैसे उठाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेन क्या है, दूसरा मेन है कि मार्केट में अपना प्रेजेंस कैसे बनाना है, ठीक है। जिसका मार्केट में प्रेजेंस नहीं उसको काम नहीं मिलेगा, ये फिक्स है। बहुत से ऐसे लड़के मैं देखता हूँ फेसबुक से ही बहुत ढेर सारे मॉडलिंग के काम पा जाते हैं, क्यों, उनका ऐसा बिल्ड उन्होंने रिलेशन किया हुआ है कि कोई देखता है वो बोल देगा अच्छा अच्छा है, ठीक है, वो कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। बहुत से ऐसे लोगों को देखा है। तो ब्रांड ऑफ यू, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ जो कि लास्ट रहेगा, ब्रांड को कैसे बनाना है, ठीक है, या फिर आपको ब्रांडिंग कैसे करनी है। कई लोग सोचते हैं कि यार फ्रीलांसर को ब्रांडिंग करने की क्या जरूरत है, ठीक है। ब्रांडिंग से ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है, ब्रांडिंग से ट्रस्ट बढ़ता है। बायजूस एक है ना, वो जो कंपनी जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसका नाम तो सभी को पता है, लेकिन वो फिर भी क्रिकेट विकेट में देखते हो टी शर्ट उसे छपवाता रहता है, क्यों, ब्रांड करवाता रहता है ना, ब्रांड को और फेमस करता रहता है, क्यों, ट्रस्ट बढ़ता है इससे, ठीक है, ट्रस्ट बढ़ जाता है कि शाहरुख खान आएगा तो लोगों का ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो लोग शाहरुख खान के फैंस हैं ज़्यादातर उनके भी लोगों के बच्चे हैं, ठीक है, एक कुछ लोगों को छोड़ के ज़्यादातर लोगों के बच्चे हैं, तो फिर क्या होगा कि अच्छा ठीक है, मतलब वो तो क्या बोलते हैं, हम लोग उसके फैन थे, उसने मार्केटिंग किया, दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिससे कि सामने वाले को हेल्प मिलती है। ब्रांडिंग्स एंड मार्केटिंग्स योरसेल्फ इज ह्यूजली अंडर अप्रिशिएटेड एस्पेक्ट ऑफ फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसर सोचते हैं यार मेरे को क्या जरूरत है ये फ्रीलांसिंग मतलब मार्केटिंग करने की। देर इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन दैट इफ यू बिल्ड इट दे विल कम। मेनी प्रोफेशनल mistakenly believe that if you keep doing work, good work, make sure your portfolio stay updated, then work will be starting flowing in. कई लोग सोचते हैं कि बस मैं काम करता रहूँगा अच्छा और क्या बोलते हैं मेरा पोर्टफोलियो अपडेट होता रहेगा, मेरा काम अच्छा चलता रहेगा, बट ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट ऑफन इन केस, यू नीड टू बी मच मोर डिलीवरेटिव अबाउट हाउ एंड वाट यू शो। जो आप दिखते हो, जो आप दिखाते हो, वही सामने वालों को पता चलता है। तो आप अपने काम को आपको मार्केट करना पड़ेगा। दिस मे नॉट कम नेचुरली टू मेनी पीपल बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू गेटिंग अहेड एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। एज अ फ्रीलांसर आपको अपने काम को दिखाना पड़ेगा कि मैं करेंट में इस काम पे कर रहा हूँ, इस पे मैंने ये चीज़ अच्छा किया हुआ है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सामने वाले को शो करना पड़ेगा। वन ऑफ द बेस्ट वे टू बी सक्सेसफुल विथ अ फुल क्लाइंट रोस्टर एट ऑल टाइम्स is to always be marketings, ठीक है, हमेशा आपको marketing करते रहना है। It may sound leech, but there really is not a time in your freelance career when you should not aware and how to introduce yourself, sell or upsell your work, ठीक है, आपको अपने work को तो बताना पड़ेगा लोगों के बीच में। While it may not always feel like you are a marketings, you should be aware to the potential is always truly there, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप लोगों को बता तो रहे हो ना कि एटलीस्ट मैं ये काम कर रहा हूँ, ये करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ब्रांड इस्टेब्लिश होगा, आप इस्टेब्लिश होंगे, ठीक है। आप 3D मॉडलिंग करते हो तो आपके रिलेशन से लेके रिलेशन के रिलेशन तक, रिलेशन से लेके रिलेशन के रिलेशन तक, मतलब ये कि आपके मामा, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, आपके मामा आपके काम को जानते हैं कि आप ये काम करते हो, ठीक है। अभी के सिचुएशन पे आपके मामा के जितने रिलेटिव्स होंगे उनको पता होना चाहिए कि आप ये काम करते हो, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, आप दो स्टेप्स की मार्केटिंग तो ऐसे ही कर ले रहे हो ना। आपके बुआ, बुआ के रिलेटिव जितने लोग हैं वो सब जानने चाहिए कि आप ये काम करते हो। तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मामा बुआ पर ही नहीं, मत अटक जाना। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से आपकी ब्रांडिंग बढ़ रही है, अच्छा वो काम करता है तो किसी को भी आएगा, किसी को भी समझ आएगा कि यार यहाँ पर काम निकल रहा है, तो वो रिफर कर सकता है आपका नाम, ठीक है, कि उनका लड़का है ये वो है। सर इफ पॉसिबल शो हाउ टू सर्च डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट। बहुत जल्दी करेंगे वो भी कि कैसे सर्च शो करना है, कैसे प्रपोजल लेटर भेजना है, विल डिस्कस दैट ऑल्सो, ठीक है, वी आर प्लानिंग फॉर दैट। What is your focus? पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका फोकस क्या है, आपको क्या करना है, ठीक है। तो हर किसी का, हर फ्रीलांसर का अपना अलग अलग टारगेट्स होता है, तो आपका टारगेट है क्या है वो भी आपको समझना पड़ेगा। Not every client is good client, ठीक है, जरूरी नहीं कि जितने क्लाइंट आपको मिले सब बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, ठीक है। Yes, that's very much useful. Yes, we are planning for that soon.
In fact, many of us got into freelancing because we grew very working with a nightmare clients with outdated process that it did not make sense for overall careers. ठीक है, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मैं काम कर रहा हूँ दूसरों के लिए, उससे अच्छा है कि मैं अपने काम को करना स्टार्ट कर दूँ. बट ऐसा नहीं हो, प्लस सारे क्लाइंट अच्छे हों ये भी अच्छा नहीं है. तो आपको क्लाइंट का पोटेंशियल देखना पड़ेगा, क्लाइंट से मीटिंग समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको अपने वर्क के बारे में एक्सप्लोर करना चाहिए. तो दिस इज योर सेकेंड थिंग कि आपको अपने आप को ब्रांड बनाना है. इसके आगे की चीज़ ही आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा. पढ़ सकते हो, नहीं थक जाओगे, पढ़ सकते हो, क्योंकि बेसिक बेसिक चीज़ें कि आपको पैसे कैसे सेव करना चाहिए, ठीक है, और रीथिंक कैसे करना चाहिए प्राइजिंग ज़्यादा कम के बारे में. तो इट्स अप टू यू, आराम से आप उसको बैठ कर सोचो. पहले वाले स्लाइड में हमने सीखा काम को स्टार्ट कैसे करना है, दूसरे वाले स्लाइड में हमने सीखा कि काम को बेटर कैसे करना है, ठीक है. तीसरी चीज़ हम लोग जल्दी ही सीखेंगे कि काम को करना कैसे है, ठीक है, मतलब प्रपोजल डायरेक्ट भेजना कैसे है, ठीक है. ये भी मैं बहुत जल्दी ही आपके बीच में लेके आऊँगा, ठीक है. तो आईडी वाइडी से परफेक्ट रखूँगा, पासवर्ड वासवर्ड रखूँगा, फटाफट दिखा दूँगा कि देखो एक काम है, इसको मैसेज सर्च कर रहे हैं, तो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है. बट उसके लिए पहले से आईडी वगैरह तैयार, क्योंकि आईडी का कन्फर्मेशन एंड ऑल एवरीथिंग बहुत कुछ रहता है. आपको क्या करना है, अभी आप और पे आईडी बना लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, आज कल बना लेना, ठीक है. उसके बाद कल मैं आपको कुछ काम भी दूंगा, मतलब असाइनमेंट्स भी दूंगा, और असाइनमेंट्स के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको छुट्टी में क्या करना है, ठीक है. तो कल की क्लास कोई भी क्या बोलते हैं लाइक मिस नहीं करेगा. आज भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा. BIM में अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि BIM में सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग का वर्क मिलता है. अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो मॉडलिंग वर्क है वो उसका कोई खास स्टैंडर्ड नहीं होता ना, वो लुक उसका होता है. तो लुक अमेरिका का भी प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, इंडिया का भी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर्स में आप अमेरिका का प्रोजेक्ट करोगे ACI कोड पढ़ना पड़ेगा, इंग्लैंड का करोगे ब्रिटिश कोड पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें लफड़े हैं. इसमें कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है. इसमें आप कहीं कहीं मॉडलिंग वर्क उठा सकते हो, ठीक है. एक प्रोजेक्ट भेजा है सर आपको, ओके ठीक है. मेरा रैबिट अभी नहीं चल पा रहा है संजीव सर, अगर रैबिट पे भेजा हुआ है तो कांट पॉसिबल टू चेक, अगर PDF भेजा हुआ तो आई विल चेक राइट नाउ, चेक करता हूँ, ठीक है. तो आपको क्या करना है, आपको आज कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ रैबिट स्ट्रक्चर्स का प्रैक्टिस करना है, ठीक है. क्या बोलते हैं, उसके साथ ही साथ आपको रैबिट स्ट्रक्चर्स के प्रैक्टिस करने के साथ लेक्चर नंबर 9 तक आपको कंप्लीट रैबिट स्ट्रक्चर्स वॉच कर लेना है, ठीक है. और कल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छे से कल का लेक्चर मिस मत करना कोई भी, ठीक है. हाँ, लेक्चर 6 का स्लाइड मैं शेयर कर दूंगा, वो मैंने देखा था मैसेज, मेरे को टाइम नहीं लगा, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा. तो क्या करते हैं, लेक्चर 8 तक आपको वॉच करना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है. कल का कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा. कल मैं प्रोजेक्ट डिसाइड करूंगा, मतलब आपको दूंगा कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट करना है, ठीक है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस एनीवन, ठीक है, चलेगा. ओके, और क्या बोलते हैं, कल एक और चीज़ करना है मुझे, अगर किसी को भी आप में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. कल मैं करियर काउंसलिंग के 2 सेशन रखा हो, ठीक है. तो आप में से किसी को भी करना है कि सर मुझे थोड़े से करियर में गाइड करिए, ठीक है, तो मुझे कल, सबको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई भी 2 लोग होंगे, 2 लोगों को चूज़ कर रहा हूँ, तो अपने गुरुकुल से रहेंगे तो और अच्छी बात है. अगर आपको लगता है कि सर मुझे थोड़ा करियर में गाइड चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आपके किसी दोस्त को चाहिए, तो उसको बोल देना, मुझे व्हाट्सएप पर अपना रिज्यूम भेज देगा. तो कल मैंने प्लान किया हुआ है 2 लोगों का करियर गाइडेंस करने के लिए, तो सभी वैसे बता दिया है ऑलरेडी, आप में से किसी को लगेगा तो आप भी आ सकते हो, ठीक है. ठीक है, प्रियदर्शी बोल रहे हैं सर मैं, बिल्कुल आप आ सकते हो प्रियदर्शी, मुझे बस स्ट्रक्चर अपना वो डाल देना, रिज्यूम डाल देना, और कल इवनिंग में होगा लगभग 6 बजे के आसपास, ठीक है, चलेगा. किसी को भी लगेगा, 2 लोगों के लिए मैंने सीट बुक रखा है कि 2 लोगों का करूँगा करियर काउंसलिंग. चलो एक बार देखता हूँ कैसे इन्होंने किया हुआ है. करियर काउंसलिंग मतलब आप सजेशन भी ले सकते हो कि आप बिजनेस कर रहे हो तो उसको कैसे ग्रो करें. ओके, अरे वाह, ठीक है. मेरे साथ गड़बड़ क्या हुई ना, मेरे को घर जाना था, मैं जल्दी जल्दी में सारे काम निपटा रहा था, तो उसकी वजह से अभी तक मैं वो नहीं कर पाया, प्रियदर्शी इंस्टॉल नहीं कर पाया सही से, वो वाला चल ही नहीं रहा है, नया इंस्टॉल करना है, तो आज मैं ट्राई करता हूँ करने को. ऑनलाइन देख सकते हैं लाइव, बिल्कुल देख सकते हो, वाओ क्या बात है, इसका प्रोजेक्ट देखोगे तो आप लोग इम्प्रेस हो जाओगे. एक्सीलेंट,
अगर इसका वॉक थ्रू बना दिया ना तो मतलब मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया संजीव, वेरी गुड। वॉक थ्रू बना दिया तो मजा आ जाएगा, एक्सीलेंट। अब फटाफट अपना रिज्यूम तैयार कर लो, ठीक है? आज मैं आपका रिज्यूम नहीं चेक कर रहा हूँ प्रियदर्शी, ठीक है? कल मैं डायरेक्ट आपका कैरियर काउंसलिंग से पहले ही देख लूंगा, ठीक है? और हाँ संजीव बोलो। अभी सर बाकी है, इसमें काफी काम बाकी है सर, अभी और इसका करूंगा इसका एक इसमें। अच्छा सा पोर्टफोलियो वो जरूर बनाना, वॉक थ्रू जरूर बनाना, बहुत अच्छा हाँ लगेगा। सर, लेकिन अभी इसमें काम करूंगा सर, काफी हाँ का अभी है इसमें सर। ठीक है, वो तो बहुत अच्छा है। और इसके बाद अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करके आज fiverr.com इस पे साइट पे जरूर बना लेना आईडी अपना, ठीक है? अपवर्क पे। मैंने सर freelancer.com पे बनाया था सर, लेकिन उसपे थोड़ा टाइम काम किया, तो उसके बाद अभी तक कोई प्रोजेक्ट आया नहीं था, लेकिन उसके हाँ बाद फिर मैंने आपके साथ में क्लास ज्वाइन कर ली थी, फिर टाइम नहीं लगा इसके बाद। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पे कर लो, ठीक है? ओके सर, चलेगा। चलो बाकी हम लोग कल करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास हमको एक लेनी है। कल का क्लास कोई मिस नहीं करेगा, कल आपको प्रोजेक्ट्स दूंगा, ठीक है? लेक्चर 8 तक केवल वॉच करके रखो। कल हम लोग जो प्रोजेक्ट करेंगे तो बहुत सी चीज़ें हमको ऑटोमेटिक क्लियर होंगी कि क्या क्या हमें करना है। फिर कोई दिक्कत भी आ रहा हो तो हम लोग उसको कल डिस्कस करेंगे। आप लोग आईडी बना लो, कोशिश ये करूंगा कि मैं एक प्रोजेक्ट दो प्रोजेक्ट आपको कैसे आता है वो भी दिखा दूंगा, करने के प्रपोजल भी दिखा दूंगा कैसे बनाना होता है, ठीक है? मेरे पास सब कुछ, बस उसको मेल से सर्च करके आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? चलेगा।